एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नासाज पार्कर सोलर प्रोब. ये क्या है, व्हाट इज दैट? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द रीसेंट डिस्कवरीज बाय द नासाज पार्कर सोलर प्रोब मिशन. वी विल डिस्कस अबाउट इन अ वेरी टेक्निकल मैनर एंड इट विल बी ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस फॉर यू पीपल इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एंड द मेन्स एग्जामिनेशन. हम इसको हर एंगल से डिस्कस करेंगे. हम देखेंगे नासा के द्वारा जो एक मिशन भेजा गया है जिसका नाम पार्कर सोलर प्रोब रखा गया है, ये क्या है, ये क्यों आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है. इसने अभी रिसेंटली 4 दिसंबर को अपने पहले भेजे हुए डाटा में क्या क्या जानकारियाँ जुटाई और बताई हैं. मैंने कुछ चीज़ें नोट डाउन की हैं, मैं आपको एज इट इज़ लिखाने की कोशिश करूँगा. तो मैं लिखाऊँगा नहीं, मैं बोल दूँगा, आप वीडियोज़ के थ्रू उसे लिख लेना और फिर उसे सीक्वेंस में मैं आपको बताऊँगा. नासा का पार्कर सोलर प्रोब आप नहीं समझ सकते जब तक आपको सन की बेसिक नॉलेज नहीं है. यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द नासाज पार्कर सोलर प्रोब अनलेस अनटिल यू आर एक्वेंटेड विद द बेसिक टर्मिनोलॉजी रिलेटेड विद द सन. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गेन द नॉलेज अबाउट द सन, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सन, द इंटीरियर लेयर्स एंड द एक्सटीरियर लेयर्स ऑफ द सन. ओनली देन यू कैन अंडरस्टैंड द फाइंडिंग्स ऑफ द नासाज पार्कर सोलर प्रोब. First of all, we have to understand what is the full form of the NASA's, that is National Aeronautics and Space Administration. Okay, it is the full form of the NASA. This is a very, very, very important topic, and there will be so many questions from this particular topic. NASA's Aeronautics and Space Administration. क्या है ये बेसिकली, व्हाट वाज दैट? देखिए 12 अगस्त 2018 को नासा ने सूर्य के बारे में पढ़ने के लिए, अच्छे से समझने के लिए एक मिशन वहाँ पर भेजा है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है. ओके, सो नासा अल्टीमेटली सेंट अ यूनिक मिशन टू अंडरस्टैंड द बेसिक फेनोमेना ऑफ द कोरोना, सोलर विंड्स, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, मैग्नेटिक फील्ड इफेक्ट्स, एनर्जेटिक पार्टिकल्स ऑफ द सन, सोलर फ्लेयर्स एंड द डस्ट फ्री जोन ऑफ द सन. सो मैनी थिंग्स दैट वी नीड टू डिस्कस इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. ओके, बहुत सी चीज़ें हैं सूर्य से जुड़ी हुई, जैसे डस्ट फ्री जोन है उसके बारे में जानकारी चाहिए. कोरोना एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है सन के एटमोसफेयर का. सोलर फ्लेयर्स, सोलर विंड्स, सोलर प्रोमिनेंस, इनके बारे में पढ़ेंगे. सन स्पॉट्स क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे. किस तरह से ये सारी डिफरेंट चीज़ें एक्ट होती हैं, ये स्पेस वेदर को कैसे प्रभावित करती हैं, ये सब हम समझेंगे. और लेक्चर के एंड में मैं आपको बताऊंगा ये पढ़ना ज़रूरी क्यों था, आपने आज की डेट में इसे स्टडी क्यों किया. पहले हम नासा के इस पर्टिकुलर मिशन के बारे में कुछ छोटी सी जानकारियाँ ले लेते हैं, फिर मैं आपको सन के बारे में पढ़ाते हुए सारा आगे तक लेकर के आऊँगा. आई बात समझ में? नासा ने ये जो प्रोजेक्ट भेजा, आपको पता लगा ये 12 अगस्त 2018 को भेजा गया. ओके, नासा लॉन्च्ड इट्स प्रोग्राम दिस पर्टिकुलर सोलर प्रोब मिशन ऑन 12 अगस्त 2018. ये 7 साल का एक प्रोजेक्ट है, 7 ईयर का प्रोजेक्ट है जो लगभग 2025 तक वहाँ पर चलने वाला है. और इसमें ये कहा जाएगा कि ये अब तक का सबसे क्लोजेस्ट मिशन रहेगा जो सन के क्लोज पहुँचा है. ये मशीन जो है ये सबसे क्लोजेस्ट रहेगी. आई बात समझ में? कितनी क्लोजेस्ट रहेगी? 7 टाइम क्लोज. अब जब हम 7 टाइम क्लोज बोल रहे हैं तो ये पिछली बार से 7 गुना ज़्यादा. तो पिछली बार क्या हुआ था उसका नाम लिखिए. 1976 में हेलियो टू स्पेस क्राफ्ट 1976 में देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि ग्रीक, अगर हम रोमन टर्मिनोलॉजी की बात करें तो रोमन गॉड सोल हैं, इसलिए हम सोलर सिस्टम कहते हैं. लेकिन अगर हम ग्रीक टर्मिनोलॉजी की बात करें तो ग्रीक गॉड हेलियो है, इसलिए हम सन और उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ों को हेलियो सेंट्रिक थ्योरी, जैसे कि सन सेंटर में है सोलर सिस्टम के, या फिर हेलियोस, इस तरह के वर्ड से जानते हैं. इफ़ वी कंसिडर द रोमन गॉड देन देर इज़ अ वर्ड सोल फॉर द सन, सो दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग सोलर सिस्टम. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द ग्रीक थ्योरी, द ग्रीक टर्मिनोलॉजी, देर इज अ वर्ड हेलियो, दैट्स वाई वी आर ऑल द टाइम कॉलिंग इट हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, दैट इज सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. इट इज़ इम्पॉर्टेंट. ओके,
So the mission, last mission which was very closest to the sun, that was 1976 Helio 2 spacecraft mission, 2S spacecraft mission, and now we are studying, that is the Parker probe, Parker solar probe. It is 7 times more closer than the previous mission. Why its name is Parker, that you need to understand. अमेरिका ने पहली बार अपना कोई ऐसा स्पेस मिशन भेजा है जो किसी पर्सन के नाम पर है. अमेरिका कैसे कभी भी ऐसे मिशंस नहीं भेजता है जो किसी न किसी पर्सन के नाम पर हों, लेकिन ये पहली बार ऐसा है. अमेरिका के कई मिशंस हैं, अपोलो आप मिशन जानते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, वोएजर उसका मिशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इस तरह के सभी मिशंस हैं, लेकिन वो कभी भी पर्सन के नाम पर नहीं होते हैं. लेकिन ये है, किसके नाम पर है? अमेरिका के वो एस्ट्रोफिजिसिस्ट जिन्होंने आज से 60 साल पहले सोलर विंड के बारे में जानकारी दी थी, एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, नाम है यूजिन पार्कर. नाम है यूजिन पार्कर. सो दिस मिशन इज पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू द नेम ऑफ यूजिन पार्कर, ओके, द प्रोमिनेंट एस्ट्रोफिजिसिस्ट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. ही वॉज द पर्सन हु प्रोपाउंडेड the first time who propounded the concept of solar wind with a very authentic data and theories. So he was a person who dedicated towards the magnetic studies of the sun, okay, magnetic field lines, and that's why solar winds are somewhere connected with the magnetic effect of the sun. So he devised that theory and concepts. So that's why NASA dedicated this particular mission to the Eugene Parker, okay. Iska pehle ka naam kuch aur hua karta tha, जिसका जो पहला इसका नाम हुआ करता था वो अभी इसका नाम है पार्कर सोलर प्रोब. पहले ये सोलर प्रोब प्लस होता था, सोलर प्रोब प्लस के तौर पर जाना जाता था. आई बात समझ में? लेकिन फिर इसका नाम चेंज किया और नाम रखा यूजिन पार्कर के नाम पर, इसलिए नाम है इसका पार्कर सोलर प्रोब, ओके. क्या करेगा ये? बेसिकली चीज़ों को समझते हैं हम. देखिए, अगर आप सन की बात करते हैं तो सन के कंपैरेटिवली आप जहाँ पर खड़े हैं, आपका सन से जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 150 मिलियन किलोमीटर है, ओके. योर प्लैनेट अर्थ इज़ द थर्ड प्लैनेट फ्रॉम द सन. द फर्स्ट प्लैनेट इज़ द मर्कुरी, द सेकेंड प्लैनेट इज़ द वीनस, एंड द थर्ड प्लैनेट इज़ द अर्थ. इट इज़ द मर्कुरी, वीनस, अर्थ. Mercury, Venus, then the Earth. और ऐसे में आपका प्लेनेट कितनी दूर है? 150 मिलियन किलोमीटर, यानी कि 15 करोड़ किलोमीटर. आप 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर हैं सन से, ओके. यू आर एट द डिस्टेंस ऑफ 15 करोड़ किलोमीटर, और यू कैन से इट दैट इज द 150 मिलियन किलोमीटर. The perfect or the exact distance is the 149.6 million kilometer. Approx value is the 150 million kilometer. Exact value is the 149.6 million kilometer. Okay. Now why we are calling it the closest mission towards the sun? And due to that we are saying that it is the first human mission to the solar aspect. Why? Because it is the first mission done by the human race that is very very close to the sun. So first of all you have to understand, it is close to the sun. It is not going to land on the sun, it is not going to crash on the sun, it is very close to the sun, but it will not touch the surface of the sun, okay. That you need to understand. So by which value it will reach to the sun, the closest difference between the distance between the sun and the mission, the closest distance, what will be the distance? That it will be 6.2 million kilometer. 6.2 million kilometer. Look at this individually, this you can observe, this difference is a very vast difference, okay. Bahut farak hai sun se is cheez ka, lekin when you are considering it with the distance of the earth and the sun, earth is located at 150 million kilometer, और ये स्टडी करेगा सन को 6.2 मिलियन किलोमीटर से, तो फिर हो गया ये बहुत क्लोज सन के, ऑब्जर्व हो रहा है. मतलब अगर हम ये करोड़ में ले रहे हैं कि ये 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है,
तो ये तो सिर्फ 62 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, 62 लाख किलोमीटर की दूरी पे है, तो 62 लाख और 15 करोड़ की किलोमीटर में तो बहुत फ़र्क आ जाता है. ओके, सो इट विल स्टडी द सन फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ 62 लाख किलोमीटर फ्रॉम द सन. ओके, सो अल्टीमेटली इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू द सन. इन फैक्ट इट विल क्लोज टू द सन एज कम्पेयर टू द मर्क्यूरी ऑल्सो. मर्क्यूरी इज़ द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन, बट इट विल बी वेरी क्लोज टू द सन एज कम्पेयर टू मर्क्यूरी ऑल्सो. सो इट विल स्टडी द सन इन साइड द ऑर्बिट ऑफ द मर्क्यूरी. वेन आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑर्बिट, वट इज द ऑर्बिट? इट इज़ द एलिप्टिकल पाथ, और यू कैन से द एक्लिप्टिकल पाथ ऑन विच ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन. इट इज़ द ऑर्बिट. ओके, सो इट इज़ अ पाथ ऑन विच ऑल द प्लैनेट्स आर ऑर्बिटिंग अराउंड द सन. Why all the planets are orbiting around the sun and everything, we will discuss in the topic when I am going to discuss about the sun. अभी जब मैं सन के बारे में बताऊंगा, तब हम उसके बारे में पढ़ेंगे. ये बात समझ में आ गई? तो ये 62 लाख किलोमीटर की दूरी पर जब चला जाएगा सन के पास, तो ये पढ़ने क्या वाला है, समझने क्या वाला है, क्या अंडरस्टैंड करके ला के देगा, वो सारी चीज़ों को हमें अब समझना है, जिसके लिए मैं अब आपको सन के बारे में पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, तब जा करके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे. शुरू करें सन को पढ़ना. काफ़ी हद तक मुझे लगता है आपने सन पढ़ा भी हुआ है, सन के बारे में काफ़ी जानकारी आपकी है लगता है. वीडियो रोक के पहले आपकी जानकारियां ले लेते हैं सन के बारे में, ताकि मैं भी अच्छे से पढ़ाऊं और आपको भी कोई गलत फहमी ना रह जाए खुद के विषय में. सन बनाए, आधा सन इस तरह से सन बनाएंगे हम. ओके, चलिए चीज़ों को समझिए, फिर सब कुछ अंडरस्टैंड हो जाएगा. अगर हम सन की बात करें, तो मैंने हाफ आपके सामने बनाया है, हो सकता है शेप उतनी परफेक्ट ना हो सके. इट इज़ द हाफ ऑफ द सन. ओके, सो द कंप्लीट रेडियस ऑफ द सन इज 6,96,000 किलोमीटर. सो द रेडियस ऑफ द सन इज 6,96,000 किलोमीटर. देर आर टोटल 6 लेयर्स ऑफ द सन. अगर हम उसके रेडियस की बात करें, तो 6,96,000 किलोमीटर है. टोटल 6 लेयर्स हैं सन की. अंदर से बाहर की तरफ जानना चाहोगे कि बाहर से अंदर की तरफ? अंदर से बाहर आना चाहते हो? चलो अंदर से बाहर लाते हैं. अगर अंदर से बाहर आए, तो कोर है, रेडिएटिव जोन है, कन्वेक्टिव लेयर है, फोटोस्फेयर है, क्रोमोस्फेयर है और कोरोना है. तो ये अंदर से बाहर की तरफ है. अगर हम सबसे पहले देखें, तो हमारे पास क्या आता है, ये कोर है पूरा का पूरा. ओके, कोर है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इसको, ज़्यादा ही ओवर हो गया. ये कोर है, मार कर देना दूसरा. कोर, कोर के अंदर क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, इसको समझना ज़रूरी है. ये कोर ही है सन का, जिसके अंदर हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होता है. ओके, जब हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होगा, इसका मतलब क्या है? हाइड्रोजन एक लाइटर एलिमेंट है, हीलियम उससे भारी एलिमेंट है. जब एक लाइटर चीज़ भारी चीज़ में परिवर्तन होगी, हल्की भारी में बदलेगी, तो क्या होगा? When the lighter element is going to convert into the heavier element, then what will be the resultant effect? आपको मैं बताता हूँ. Suppose कीजिए hydrogen, hydrogen मिल करके helium को जन्म दे रहे हैं, इसका नमूना क्या निकलेगा? Einstein की एक थ्योरी है, that is E=mc². इसका मतलब ये है कि जो भी एनर्जी है, वो मैटर ही तो बनेगी. एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इंटू द मैटर, और जो मैटर है उसमें एनर्जी है. द साइमल्टेनियस एस्पेक्ट इज द मैट, एवरी मैटर इज समवेयर इनकैप्सुलेटेड विद एनर्जी. सो जब दो बॉडीज आपस में आकर के मिलेंगी, इनके आपस में जुड़ने से इनका जो ओरिजिनल मैटर था, उसमें से कुछ लॉस होगा. कुछ लॉस होगा, इसे कहते हैं मास डिफेक्ट. इट इज़ कॉल्ड मास डिफेक्ट. दोनों ने मिलकर एक नया बनाया है ना, दोनों के ओरिजिनल में कुछ तो लॉस हो जाएगा. वो जो मास डिफेक्ट हुआ है ना, वो एनर्जी बन जाता है. अगर E=mc² है, तो फिर इज़ इक्वल टू है ना, वहाँ पे
फ्लो इधर वे है ना, इधर से उधर फ्लो कर सकता है, उधर से इधर फ्लो. सो इफ व्हेन देयर व्हेन एवर देयर विल बी कॉम्बिनेशन बिटवीन द टू हाइड्रोजन, देयर विल बी रिजल्टेंट मास डिफेक्ट इन द ओरिजिनल मास ऑफ द हाइड्रोजन, एंड दैट डिफेक्टेड मास, दैट लॉस्ट मास विल समवेयर बी कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. It will be converted into energy. The prominent word is the conserved. And that is the actual energy that we are talking about. That is the energy of the heat, of the radiation, of the electricity, of the magnetism of the sun. That is the basis of the sun. And that is the actual energy in the core of the sun. Okay? So that energy resulted from the defect of the mass is the actual energy of the sun. Okay, yes. And there is a fusion of the hydrogen into hydrogen, so it is the energy due to the fusion. So nuclear fusion hua hai. Fusion ka matlab hai do cheezon ka milan hona. Yahi agar main helium ko todta to wo fission hota. Helium juda hi hai, isliye na main hu aur aap hain, hum dono aapas mein jude hi isliye kyunki koi force lagi hai. और वो फोर्स लगने से हम जुड़े हैं, तो वो हमारे अंदर एनर्जी स्टोर्ड है. अब जब हमें आप तोड़ेंगे तो वह एनर्जी रिलीज़ होगी. ये एक तरीका था, ये फिशन से होती है. लेकिन जब फ्यूजन में है, फ्यूजन में मैंने अभी बताया कि हम दोनों लोग जुड़ेंगे इस वजह से, तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी है इस पर्टिकुलर रीजन में, उस एनर्जी के वजह से ही यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग टेम्परेचर है. उस टेम्परेचर की वजह से यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेशर है. उस प्रेशर की वजह से ही तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ रहा है. बिकॉज़ अगर आप आज की डेट में न्यूक्लियर रिएक्टर्स की बात करें या किसी भी चीज़ की बात करें, दो एलिमेंट्स को मिलाना आपके लिए इजी नहीं है. उसके लिए आपको बहुत हाई लेवल टेम्परेचर अचीव करना पड़ता है, और वो टेम्परेचर आप अचीव कर पा रहे हैं यहाँ पर क्योंकि जो मास डिफेक्ट हुआ था उसकी वजह से एनर्जी मिली. वही एनर्जी असल में रिस्पॉन्सिबल है हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के जुड़ने के लिए. आई बात समझ में? तो इतना टेम्परेचर है इसलिए हाइड्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और इसी की वजह से हीलियम बढ़ रहा है, और यही प्रोसेस आगे एनर्जी को जन्म दे रहा है. तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है. ओके, बिकॉज देर इज़ अल्टीमेट प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हाई लेवल टेम्परेचर, एंड दैट टेम्परेचर इज समवेयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर बिकॉज द वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट. And then pressure is responsible as a compelling force for the fusion between the two hydrogen elements. And ultimately, these atoms, they are going to fuse with each other and they are resulting into the helium. But there is mass defect in the resultant material as compared to the original material. And that defected mass is somewhere converted into the energy. And that energy in effect is responsible for that temperature. So it is a continuous process inside the core of the sun. That's why there is a high level density also, because when there is a fusion of hydrogen into the helium, there is ultimate dense atmosphere, there is a mass, because helium heavy hai as compared to hydrogen, aur ek lighter cheez heavy cheez mein convert ho rahi hai, to density badh raha hai na. Density is equal to mass upon volume. Ab aapne volume to wahi rakha hua hai, lekin aap hydrogen se helium mein badal rahe hain, to halki cheeze bhari mein badalti ja rahi hain. तो मास बढ़ा रहे हैं आप, तो देन डेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास, एंड डेंसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. जो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हमने पढ़ा हुआ है, तो इसलिए डेंसिटी बढ़ रहा है कोर में. डेंसिटी बढ़ रहा है तो कोर की डेंसिटी लेड के कंपैरेटिवली 12 टाइम्स ज़्यादा होती है. द कोर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द लेड, इट इज़ 12 टाइम लार्जर देन द डेंसिटी ऑफ द लेड. सो इट इज़ वेरी डेंस रीजन, इट इज़ वेरी हॉट रीजन, वेरी टेम्परेचर ओरिएंटेड रीजन. द प्रेशर इज ऑल्सो वेरी हाई. वाई द प्रेशर इज हाई? बिकॉज द हाई डेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई प्रेशर. बिकॉज द हाइड्रोजन्स आर गेटिंग कन्वर्टेड इन टू द हीलियम, एंड दोज हीलियम्स आर क्रिएटिंग अ डेंस एटमोसफेयर, एंड दैट्स वेयर द डेंसिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हाई प्रेशर, एंड दैट हाई प्रेशर इज अल्टीमेटली कोलैबोरेटिंग द डिफरेंट हाइड्रोजन एटम्स. हाई बात समझ में जी? ये सारा फिनोमेना इसके अंदर हो रहा है. तो इसलिए टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस. ओके, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को अंडरस्टैंड करो, कितना हुआ टेम्परेचर. द 15 मिलियन, 1.5 करोड़
degree Celsius temperature, 1.5 crore degree Celsius temperature inside the sun. And this is the exact temperature, this is the exact temperature that we need on this planet Earth to combine hydrogen into hydrogen. That's why it is not easy to achieve this. Okay? So that's why we are using nuclear power plants on the basis of the fission. That's why we are using fission-based nuclear power plants. Because at least to combine the hydrogen with the hydrogen, we need to create 1 crore degree Celsius temperature. And it is not easy to produce that. Jitna gain nahi karenge energy, utna kharch kar jayenge energy. Samjhi us baat ko. To ye to sun ke andar to khud ho raha hai. To core region mein ye paida hota hai. Ye core samajh aaya sun ka? Ab jab core ke andar itna 15 million degree Celsius temperature, 12 times zyada density aa gaya lead ke comparatively. लेड इज़ वेरी वेरी डेंस, शीशा जैसे अपन कहते हैं उसके कंपैरेटिवली. अब उससे आगे अब हमें देखना तो फिर क्या होगा, यहाँ पर ये सारी की सारी जो एनर्जी है ये एमिनेट होगी, बाहर की तरफ निकलेगी. लेकिन जब ये इनिशियली एमिनेट फॉर्म में आएगी तो कैसे आएगी बाहर, एनर्जी कैसे आएगी? अब एनर्जी चाहिए अपन को सरफेस पे, सरफेस तक एनर्जी कैसे सफ़र तय करेगी? अब ये भी एक गुत्थी है. सन के सरफेस से अर्थ तक एनर्जी आती है 8 मिनट 20 सेकंड में. लेकिन आपको पता है कि सन के कोर से सन के सरफेस तक एनर्जी आती है मिलियन ईयर्स में. इट टेक्स मिलियन ईयर फॉर द एनर्जी टू ट्रेवर्स फ्रॉम द कोर टू द सरफेस ऑफ द सन. बट लुक एट द डिस्टेंस, इट इज़ नथिंग. व्हेन यू आर कंपेयरिंग द डिस्टेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द सन एज विद द अर्थ, इट इज़ ह्यूमंगस. But it there is only 8 minute 20 second responsible for the complete travel of the energy. But why there is more time as compared to the travel of energy from center, from core to the surface? We will discuss about that. उसको समझते हैं. सबसे पहले चीज़ों को समझना होगा. वो कैसे समझेंगे? एनर्जी लेके कौन जाता है? For the transfer of the energy, we need some kind of pathway. Okay? Pathway, the carriers. कि कौन लेकर के जाने वाले हैं, उनकी चर्चा होनी ज़रूरी है. तो एनर्जी के मूवमेंट करने के तरीके समझ लें. हीट कैसे मूव करती है? हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो देर आर थ्री वे. फर्स्ट वन इज़ द कंडक्शन, सेकंड वन इज़ द कन्वेक्शन, थर्ड वन इज़ द रेडिएशन. रेडिएशन बड़ी ज़ोर से बोला किसी ने, इसका फेवरेट लग रहा है. कौन है? कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. दीज आर द थ्री पाथवेज बेसिकली अवेलेबल टू ट्रेवल द एनर्जी, टू ट्रेवल द हीट. ये तीन तरीके से हम एक जगह से एनर्जी लेकर के जा सकते हैं. ये कैसे होता है सुनो, मैं सिंपली बात करूँगा. एक टीम क्रिकेट प्लेयर्स की खड़ी है 11 लोगों की, और उन 11 लोगों से एग्जांपल लेते हैं. सपोज देयर इज़ अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम. ओके, सपोज कीजिए कि बींग अ कैप्टन, मेरे हाथ में ये क्रिकेट बॉल है और मुझे ये लास्ट प्लेयर को देनी है. तो पहला तरीका ये है कि मैं अपने साथ के खिलाड़ी को दूँ, वो अपने साथ के खिलाड़ी को दे, वो अपने साथ को साथ के खिलाड़ी को दे, ये लास्ट प्लेयर तक पहुंच जाएगी बॉल. यानी कि मैं एज अ पार्टिकल यहाँ से आगे मूव नहीं हुआ, मैं लास्ट प्लेयर तक नहीं गया, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एनर्जी साथ वाले को दी, उसने अपने साथ वाले को दी. तो हम कंडक्ट कर रहे हैं, देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. आई एम सिंपली ट्रांसफरिंग माई हीट टू द माई नेक्स्ट बॉडी, and that body simply transferring heat to the next body, and that heat ultimately reach to the last body, and it is simple phenomena. Suppose there is a fire, burning fire, and you are putting iron rod on that, to wo ek corner se garam honi shuru hogi aur fir last corner tak garam hogi, but us corner se us corner tak aane mein time lagega aur wo corner baad mein garam hoga, bahut baad mein garam hoga, because there is conduction, because wo jin particles se wo solid bana hai, वो पार्टिकल्स उस पॉइंट से उस पॉइंट तक मूव नहीं कर रहे, वो हर पार्टिकल अपनी एनर्जी दूसरे पार्टिकल को ट्रांसफ़र कर दे रहा है. जैसे मैंने बिना गए लास्ट प्लेयर को बॉल दे दी, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन साथ के पार्टिकल्स के द्वारा ये कंडक्ट किया हमने, एनर्जी का कंडक्शन हुआ. तो ये है कंडक्शन प्रोसेस. सेकेंड प्रोसेस है कन्वेक्शन. ये मेरे पास एक ऑप्शन है, मेरे पास क्रिकेट बॉल है, मैं कैप्टन हूँ, मुझे लास्ट प्लेयर को देना है, मैं बॉल हाथ में लेके खुद ही लास्ट प्लेयर के पास चला जाऊँगा, मैं साथ वालों को बॉल नहीं दूंगा, मैं ही खुद चला जाऊंगा. नाउ द पार्टिकल इज कैरिंग इट्स एनर्जी डायरेक्टली टू द अनदर पार्टिकल, इट्स कैरिंग एनर्जी डायरेक्टली टू द अनदर पार्टिकल, इट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन लाइक यू आर हीटिंग द वाटर बिफोर प्रिपेयरिंग द टी. जब आपने चाय बनाने से पहले पानी डाला है, तो जो बॉटम में पानी है
वो पानी है कैट इज अ मॉलिक्यूल ना, दैट इज अ वाटर मॉलिक्यूल्स ना, तो एच टू ओ मॉलिक्यूल को पतीले का तला टच हुआ और उसमें उसको हीट मिली, एकदम से वो एच टू ओ मॉलिक्यूल हीट लेकर के खुद ही ऊपर आ गया, और जब ऊपर आने के बाद ठंडा हुआ वापस चला गया गर्म होने के लिए। तो दैट्स वाई देर इज अ वर्ल मोशन इन द टी। आप देखते हैं ना टी में वर्ल मोशन होता है। वर्ल मोशन कैसे होता है, नीचे सेंटर वाला हिस्सा ऊपर आता है, साइडों की तरफ बिखरता है, है ना, तो वो पार्टिकल नीचे से हीट लेकर लेकर के सरफेस पे आते हैं, ऊपर धुआं छोड़ के भाप छोड़ के ठंडे होकर के। इसलिए जितना ज़्यादा टेम्परेचर आप नीचे से दें उबाले उतने जलजले उतने ऊँचे आते हैं, और जैसे ही आप आँच कम कर देते हैं जलजला कम हो जाता है ना ऊपर पानी उठना। सो देर आर हाई सर्जेज इन द वाटर, बॉइलिंग वाटर, सो इफ़ यू इंक्रीज द फायर देन वाटर विल बॉयल मोर एंड मोर। वाई? बिकॉज वो ज़्यादा हीट के साथ ट्रेवल कर पा रहा है और वो उसकी हीट डिसिपेट होने में टाइम ले रही है, इसलिए वो उतना ही डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो वो उतना ही ऊंचा जा रहा है। जैसे ही उसकी हीट एटमॉस्फेयर में डिसिपेट होती है वो वापस गिरता है फिर से गर्म होने के लिए। एक कन्वेक्शन है कि पार्टिकल डायरेक्ट अपनी हीट दे रहा है किसी को। लेकिन तीसरा तरीका ये था कि मेरे पास बॉल है, पहला तरीका था मैंने साथ वाले को बॉल दी, दूसरा तरीका था मैं खुद बॉल ले गया, तीसरा तरीका ये है कि ना मैं बॉल साथ वाले को दूंगा ना मैं खुद बॉल लेके जाऊंगा, मैं यहीं से उड़ा के कैच दूंगा उसको, पकड़। ये हो गया रेडिएशन, मैंने यहीं से उड़ा करके कैच दे दिया, पकड़। ओके, सो आई कैन थ्रो दैट बॉल डायरेक्टली टू द लास्ट प्लेयर, आई एम नॉट गोइंग टू दैट प्लेयर, आई एम नॉट ट्रांसफरिंग दैट बॉल टू द इमीडिएट प्लेयर स्टैंडिंग बिसाइड्स मी, आई एम डायरेक्टली थ्रोइंग दैट बॉल टू द लास्ट पर्सन। सो दिस इज रेडिएशन। देर आर थ्री वेज टू ट्रांसफर एनर्जी और हीट, सो द कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड द रेडिएशन। एग्जैक्टली हैपन्स विद द सन, एग्जैक्टली हैपन विद द सन। What is happening over there? The first aspect is energy is developing into the development is not good word. Energy is converting. So energy is always conserved in the nature. Energy cannot be created nor be destroyed. ना तो पैदा कर सकते हैं ना उसको तोड़ सकते हैं, वो convert होती है। जैसे जो energy hydrogen में stored थी वो helium में गई, helium में जो जाने के बाद बाकी मिली फिर अपन को, तो core से वो निकली है। तो अब इतने बड़े amount में energy निकली है, बहुत ही बड़े amount में energy निकली है, पहला एस्पेक्ट। और सेकंड एस्पेक्ट, मीडियम, ये जो पर्टिकुलर मीडियम की बात करें, उस अल्टीमेट हाई एनर्जी की वजह से पूरी तरह से चार्ज हो गया है। इट इज़ अल्टीमेटली चार्ज्ड। व्हाई इट इज़ चार्ज्ड? नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट रिलेटेड विद द सन। जब आप सन को स्टडी करते हैं उसमें एक खास चीज़ है, मैं जिस एटमोसफेयर में बात कर रहा हूँ इस समय, मेरे अराउंड एक एटमोसफेयर है, यहाँ पे मैं सांस ले रहा हूँ, गैसेस हैं, लेकिन ये न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है, ये न्यूट्रल एटमॉस्फेयर है, दिस इज़ द न्यूट्रल एटमॉस्फेयर। लेकिन जब हम सन की बात करते हैं तो क्या होते हैं, सन में आपको एटम्स एग्जिस्टेंस कराना बहुत मुश्किल है, मॉलिक्यूल्स एग्जिस्टेंस कराना तो उससे भी बहुत मुश्किल है, तो कंपाउंड कहाँ से ही बनाएंगे आप? इसलिए सन में सॉलिड तो मिलता ही नहीं, सन में सॉलिड तो मिलता ही नहीं। सन सरफेस इज़ नॉट सॉलिड एज़ कम्पेयर टू द अर्थ। अर्थ पे कोई चीज़ जाके ऐसे लैंड हो जाती है, सरफेस सॉलिड है, सन का सरफेस ऐसा नहीं है, वो ग्रैनुलर है, दैट इज़ ग्रैनुलर नॉट सॉलिड। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, लिक्विड तो हो ही नहीं सकता, टेम्परेचर देखिए कितना है, तो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट होके इवेपोरेट हो जाएगा। लिक्विड फॉर्म में तो और नहीं एग्जिस्ट कर सकता, वो तो ईजिली मेल्ट हो जाए, इवेपोरेट ही हो जाएगा। तो अगर कुछ एग्जिस्ट कर सकता है तो वो गैस, गैशियस वर्जन में एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन गैशियस वर्जन में भी कैसे एग्जिस्ट करे, क्योंकि एटम को एटम तो रहने नहीं दे रही, इतनी हीट है सन के अंदर कि एटम भी एटम रह नहीं पा रहा। एटम क्या है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन। एटम के कोर की बात करें उसमें क्या है, आपको प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, और उसके अराउंड कौन रिवॉल्व कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स। ओके, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस ना। In the nucleus, you can observe neutron, proton. Okay? Why electrons are revolving around it? Because there is positive charge, there is negative charge. Okay? तो एक tidal force है उनके बीच में, जैसे ब्रह्मांड में सब कुछ universe में हम observe करते हैं, so there is unique tidal force. अब इतनी ज़बरदस्त way में energy receive हो रही है उन atoms को कि जो उनके electrons हैं वो peel off हो जाते हैं. Okay? The high energy is responsible for the peeling of the electron or the stealing of the electron from the particular atom. और जिस atom की आप बात कर रहे हैं वो balanced होते हैं, उनके सारा कुछ balanced होता है, okay? Valencies वगैरह सब, everything is balanced. अब उसमें से अगर आपने electrons उड़ा दिए हैं,
इतना जबरदस्त धक्का मारा उसको आपने उस एटम को कि इलेक्ट्रॉन उड़ गए उसके, क्योंकि एनर्जी इतनी है कि वो नहीं रह सकता इंटैक्ट। तो क्योंकि आपने हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी पढ़ा होगा, सो हाई एनर्जी है तो वाइब्रेशन विल बी फास्ट, विल बी फास्ट वाइब्रेशन। सो हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, लो एनर्जी हाई स्टेबिलिटी, आप इतना अनस्टेबल कर देते हैं एटम्स को कि उनके इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाते हैं तो एम्पल अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, और जिससे लूज हुआ है उसने एक नेगेटिव चार्ज अगर किसी को दिया तो वो खुद पॉजिटिव हो गया ना। तो एम्पल अमाउंट ऑफ पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, क्योंकि अब एटम अगर अपनी उस बैलेंस्ड वर्जन में नहीं रहेगा तो आप उसे आयन कहेंगे। अब वो पॉजिटिवली चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है वो एक अलग एस्पेक्ट है, एनायन कैट आयन, दैट इज कैट आयन एन आयन इज डिफरेंट एस्पेक्ट बट आयन। तो अब अल्टीमेटली पॉजिटिवली चार्ज आयन्स होंगे आपके पास, और इनर्मस अमाउंट ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव सिस्टम इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड इसकी वजह से वो जो गैसेज हैं सन की, दे आर चार्ज्ड गैसेज। द एटमोसफेयर ऑफ सन इज अ चार्ज्ड एटमोसफेयर, दैट इज द रीजन ऑफ द मैग्नेटिक एनर्जी ऑफ द सन, दैट्स वाई देर इज मैग्नेटिक। एंड द आयोनाइज्ड वर्जन ऑफ द गैसेज इज द फोर्थ मैटर ऑफ दिस यूनिवर्स। वी कैन स्टडी थ्री टाइप ऑफ मैटर इन दिस यूनिवर्स, दैट इज द सॉलिड, that is liquid, the gaseous, but the fourth type of matter is the plasma. Now what is plasma? Plasma is gaseous atmosphere, but it is in unique aspect. It is charged gaseous atmosphere, and when you are talking about the word charged, the actual word is the ionized. So the ionized version of gases is called the plasma. So sun is known for the plasma. सन प्लाज्मा के लिए जाना जाता है, ओके क्योंकि एटमॉस्फेयर क्या है, चार्ज्ड है पूरी तरह से। चार्ज क्यों हुआ मैंने बता दिया, इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और फिर जितने इलेक्ट्रॉन फ्री हुए उतने ही पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स, जिस एटम से निकला वो पीछे आयन्स छोड़ गए अपने। और ऐसे में जब आयन्स हैं और पॉजिटिवली चार्ज आयन्स और नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन्स, तो मैग्नेटिक इफेक्ट तो होता ही होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। सो अल्टीमेट लेवल का मैग्नेटिक चार्ज है सन के अंदर, जिससे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती हैं, एंड दीज मैग्नेटिक फील्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, हम अभी डिस्कस करेंगे। आई बात समझ में? और मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी विल ऑल्सो बी देयर, है ना। सो इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड साइमल्टेनियसली मैग्नेटिक फील्ड्स, ये थ्योरी हम सब ने पढ़ी हुई है, आने वाले समय में मैं आपको पढ़ा भी दूंगा, ओके तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो काम कैसे होता है इसको देखिए। तो ये जो पूरा रीजन है ये बहुत ज़बरदस्त हॉट हो रखा है, इसको एनर्जी बहुत ज़बरदस्त मिली है, प्लाज्मा के तौर पर एग्जिस्ट कर रहा है ये, और उसमें ये बहुत ही रेरीफाइड एटमॉस्फेयर है। इट इज़ नॉट वेरी डेंस एज कम्पेयर टू द कोर, इट इज़ द रेरीफाइड वर्जन, ओके वेरी लेस डेंस एज कम्पेयर टू द कोर। तो इसकी वजह से यहाँ पर अब आपको अगर मूवमेंट कराना है एनर्जी का, तो मूवमेंट ड्यू टू द वेरी लेस डेंस मटीरियल, मूवमेंट इमीडिएटली हो जाता है इन द सेंस ऑफ रेडिएशंस। तो यहाँ पर रेडिएशंस होता है, लेकिन जब मैं यहाँ पे इमीडिएटली की बात कर रहा हूँ तो भी 1 मिलियन ईयर लगते हैं, 1 मिलियन ईयर यहाँ पे ट्रेवल होने में लगते हैं, इट इज़ नॉट वेरी इमीडिएट, ओके। सो दैट्स वाई वी कैन कॉल द लेयर अराउंड द कोर रीजन द रेडिएटिव लेयर, ये रेडिएटिव लेयर है। कौन सी लेयर है? रेडिएटिव लेयर। और रेडिएटिव लेयर में क्या होता है, एक्स रेज होती हैं, गामा रेज होती हैं, और एनर्जी लेके जाने वाले पार्टिकल्स होते हैं, दैट इज़ फोटोन्स। और फोटोन्स ही है ना जिसकी वजह से वर्ड आता है लाइट, तो लाइट, ओके तो गामा रेज हैं, एक्स रेज हैं, बहुत हाई एनर्जी रेज हैं, और फोटोन्स हैं जो एनर्जी को लेकर के आगे जाने वाले हैं। आई बात समझ में? सो दिस जोन इज़ द रेडिएटिव जोन एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रेवर्सिंग ऑफ द एक्स रेज, द गामा रेज एंड द फोटोन्स। फोटोन्स आर द कैरियर ऑफ द एनर्जी, ओके। देन दे विल एंटर इन टू द नेक्स्ट लेयर, and that next layer is called the convective layer. Convective layer में जब ये energy enter होती है तो ये किस तरह की layer है इसको समझना भी ज़रूरी है। देखो इसमें क्या होने लगेगा, इसमें energy transfer होने का जो process है वो बिल्कुल unique है, वो radiative नहीं है, वो conductive नहीं है, वो convective है। यानी कि यहाँ पर हर particle अपनी energy खुद ही उस पार्टिकल तक लेकर के जाएगा जिस पार्टिकल को एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पर आपको व्हर्ल मोशंस दिखेंगे, यहाँ पर यू कैन ऑब्जर्व द कन्वेक्टिव सेल्स लाइक इन द टी बीकर, तो यहाँ पर भी आपको वही दिखेंगे द वॉल्स। सो सेल्स विल बी देयर, एनर्जी सेल्स,
इट इज़ कॉल्ड द कन्वेक्टिव सेल जोन्स. ओके, तो इस तरह से यहाँ पर आपको कन्वेक्टिव सेल्स जोन्स सरफेस तक जाके सारी एनर्जी दे देंगे. बीच में ये देख पा रहे हैं ना आप, ये बन पा रहा है ना, क्योंकि इस तरह से ये चल रहे हैं तो यहाँ से तो सारी एनर्जी जा रही है. ओके, और ये सेल्स बन रहे हैं, लाइकवाइज सेल्स. ओके, वहाँ पर भी जो चाय भी आपने उबाली थी वहाँ पर भी दो सेल्स बन रहे हैं ना, इस तरह से नीच सेंटर से उभर करके साइड में गिर रहा है, तो एक तो ये वाला बन रहा है, जैसे लिथोस्फेयर के नीचे एस्थेनोस्फेयर है, एस्थेनोस्फेयर में भी दो कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं, तो इस तरह से सेल बन रहे हैं. आई बात समझ में? सेल्स, और सारी हीट एक्चुअली में कहाँ से बाहर आ रही है? सेंटर रीजन से. तो सबसे ज़्यादा गर्मी महसूस करनी है तो सेंटर रीजन में कर लेना, मज़ा आ जाएगा, सब पता लग जाएगा क्या आ रहा है बाहर, वहाँ से आ रहा है सहारा. लेकिन यार चाय का बीकर था यार, एक सेल बना वहाँ पे, लेकिन आपको क्या पता चाय के अंदर और छोटे छोटे कितने सेल बन रहे हैं. अगर इसे आप सन के लेवल पर ले आएँ तो एक लेवल पर एनर्जी उठी और वो गिर जाएगी. ओके, एक लेवल पर वो सेल बना और वो गिरेगा, लेकिन वो ब्रॉड सेल है, उसी सेल के लास्ट पॉइंट से एनर्जी गेन करके फर्दर सेल्स भी बनते हैं. इस तरह से सेल्स बनते जाते हैं एनर्जी के, और फाइनली सरफेस तक एनर्जी पहुंचती है. आई बात समझ में? एंड दिस एरिया जहां पर सरफेस पे एनर्जी रिसीव होती है, इट इज़ द फोटोस्फेयर. फोटोस्फेयर वो स्फेयर जो आपको अर्थ से दिखता है. सो यू कैन ऑब्जर्व द स्फेयर ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यू कैन कॉल दैट स्फेयर इज़ द फोटोस्फेयर. व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द फोटोस्फेयर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इट इज़ द फर्स्ट स्फेयर दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द एक्सटर्नल रीजन ऑफ द सन. दैट ऑल द लेयर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड राइट नाउ, दे आर द पार्ट ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द सन, दैट इज़ द कोरोना, रेडिएटिव लेयर एंड द कन्वेक्टिव लेयर. व्हेन वी टॉक अबाउट द फोटोस्फेयर, इट इज़ द बिगनिंग ऑफ द एक्सटर्नल सिस्टम ऑफ द सन. सो फोटोस्फेयर इज़ द रीजन दैट यू कैन परसीव फ्रॉम द अर्थ, इट इज़ द फोटोस्फेयर. ओके, ये फोटोस्फेयर है. इस तरह से सन की सारी एनर्जी सरफेस तक आई. अब जब फोटोस्फेयर पर सन की एनर्जी आएगी, व्हेन द एनर्जी ऑफ द सन रीचेस टू द फोटोस्फेयर, तो क्या होगा अल्टीमेटली? ये सारा हॉट हो जाएगा रीजन. और इसी तरह से कितने सारे सेल बने हुए हैं ना, जो गर्म करने में लगे हुए हैं, सारा पूरा चारों तरफ यही बने हुए हैं ना, तो वो पूरी तरह से सन के फोटोस्फेयर को गर्म कर देंगे. अब सन का जब फोटोस्फेयर है, तो इसी तरह से अर्थ की भी लेयर है लिथोस्फेयर. When you are talking about earth, it is the crust and the topmost region of the crust जिस पे आप खड़े रहते हैं. लेकिन अर्थ के उसी रीजन से एक्सटेंड हो करके, ये अर्थ है तो अर्थ के उसी रीजन से एक्सटेंड होकर अर्थ का एक एटमोसफेयर भी तो है. ट्रोपोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, कितनी डिफरेंट डिफरेंट लेयर है, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, कितनी लेयर्स आर देयर, रेडियोस्फेयर ऑल्सो. इसी तरह से सन का जो फोटोस्फेयर है, उसके अराउंड जो उसकी सारी की सारी एनर्जी और गैसेज निकली हैं सन के सरफेस से, उसकी वजह से जो सन का पूरा एटमॉस्फेयर बना है, इट इज़ कॉल्ड द क्रोमोस्फेयर. ओके, सो फोटोस्फेयर इज द, फोटो इज़ द वर्ड फॉर द लाइट दैट यू आर सेइंग दैट इट इज़ अ लाइट स्फेयर. द क्रोमोस्फेयर, क्रोमो इज़ द ग्रीक वर्ड फॉर द कलर दैट यू आर सेइंग दैट द कलर्ड स्फेयर. दैट्स वाई सन इज ऑलवेज परसीविंग एज अ रेड पार्टिकल. ओके, सो द क्रोमोस्फेयर, इट इज़ ड्यू टू द क्रोमोस्फेयर. क्योंकि जो पूरा का पूरा उसकी सरफेस से गैसेस बाहर आई हैं, मैग्नेटिक फील्ड और एनर्जी बाहर आई है, वो सारी की सारी एकदम जलते हुए पर्यावरण के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, वो क्रोमोस्फेयर है. ओके, और ये जो क्रोमोस्फेयर जो है, इसका जो बाहरी आभा मंडल है, द हेलो रीजन, द क्रोमोस्फेयर का जो बाहर आभा मंडल है, द हेलो रीजन, इट इज़ कॉल्ड द कोरोना. So the halo region, yes. It is called the corona. Okay? Yes, corona you cannot see. Yes, you cannot observe corona unless until there is complete solar eclipse. Yes, जब तक चंद्रमा पूरी तरह से घेर नहीं लेता है सूर्य को, तब तक corona नहीं दिखता. जब चंद्रमा सूर्य को घेर लेता है तो उसके अराउंड वो जो फिर एक रिंग दिखता है, वो रिंग corona है. क्यों नहीं दिखता जब तक सूर्य ग्रहण नहीं लगता? या तो कोरोना ग्राफ आज की डेट में यूज़ होता है, आप उसके थ्रू देख सकते हो. लेकिन वैसे क्यों नहीं दिखता नेकेड आइज से? उसका रीज़न ये है कि क्रोमोस्फेयर का इतना ब्लिस्टरिंग इफेक्ट है, इतना चमकीला असर है कि कोरोना दिखता नहीं है. और आई बात समझ में?
फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर के चमकीलेपन की वजह से कोरोना ऑब्जर्व नहीं आता. सो यू कैन ओनली ऑब्जर्व कोरोना अंडर इन द इम्पैक्ट ऑफ द टोटल सोलर एक्लिप्स व्हेन द मून विल कवर द सर्फेस ऑफ द सन. देन यू कैन ऑब्जर्व द रिंग अराउंड दैट मून, द हेलो टाइप रिंग, इट इज़ कॉल्ड द कोरोना. व्हाई यू आर नॉट एबल टू ऑब्जर्व कोरोना इन द नॉर्मल सर्कमस्टांसेस? बिकॉज देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ब्लिस्टरिंग और लाइटिंग इफेक्ट ऑफ द फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर. Under that impact, you cannot observe the corona. It is very similar that in the impact of the city light, you cannot observe the stars in the night sky. Yes. Okay? Like in the direct sunny day, it is around the 12 noon. You are standing outside the room. You cannot observe the torch of your mobile phone under the direct impact of the sunlight. It is very simple with the corona and the photosphere. So due to the impact of the light of the photosphere, you cannot observe the corona. Okay? ये रीज़न है. कोरोना की कोई आउटर लिमिट नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं. बाकी सबकी आउटर लिमिट्स हैं. हम आज सन की स्टडी नहीं कर रहे, इसलिए मैं वो आउटर लिमिट्स नहीं बता रहा. सबका एक डिस्टेंस है, आउटर लिमिट है, वहाँ पे जाके वो ख़त्म हो जाती है. बट कोरोना की आउटर लिमिट नहीं है. आई बात समझ में? वो एक्सटेंड होता रहता है. कोरोना में कोरोनल होल होते हैं और कोरोनल होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सोलर विंड्स. जो कोरोना से सोलर विंड्स आती हैं आपके पास, वो कोरोनल होल्स के थ्रू होकर के आती हैं और वही सोलर विंड को हमें स्टडी करना है. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके? कोरोनल होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पैसेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड दैट्स वाई दिस पर्टिकुलर वीकर पॉइंट इन द कोरोनाज द पैसेज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्री पैसेज ऑफ द सोलर विंड्स ऑल्सो. रास्ता बना हुआ है ना, तो सोलर विंड्स निकल जाती हैं, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं है. इतनी बात समझ में आई? सन के बारे में ये क्लियर हुआ? Yes, sir. अब सन के विषय में कुछ और बहुत ज़रूरी चीज़ें समझनी जरूरी है, तब ये क्लियर हो जाएगा. साइंटिस्टों ने जब ये पार्कर सोलर प्रोब भेजा है, तो इसकी सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें ये एक स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या डायनेमिक्स हैं और क्या क्या मैकेनिज़म्स हैं सोलर विंड्स के. क्या मैकेनिज़म है मैग्नेटिक फील्ड का, क्या मैकेनिज़म है एनर्जेटिक पार्टिकल्स का. तो जब हमें सन को स्टडी करना है, हमें कोरोना पढ़ना है, मैग्नेटिक फील्ड पढ़नी है, एनर्जेटिक पार्टिकल्स पढ़ने हैं, सोलर विंड पढ़नी है. क्योंकि सन के जब कोर की बात कर रहे हैं, ये रेडिएशन दे रहा है, ये इलेक्ट्रिसिटी भी दे रहा है, ये जब सरफेस पे है तो ये इंसोलेशन दे रहा है, जो आपको मिल रही है ना इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो इंसोलेशन दे रहा है. और यही कोर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, तो इट इज़ अ सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, सोर्स ऑफ द रेडिएशंस, एंड दैट एवरीथिंग इज अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंसोलेशन ejected from the photosphere, and that insulation you are receiving at the surface of the earth, yes. at the surface of the outer atmosphere, you are receiving that insulation, okay? और इसी की वजह से आपके ग्रह पर जीवन है, photosynthesis है, जिंदगी है, light भी इसी receive करते हो, heat भी receive करते हो sun से. लेकिन sun से सिर्फ light heat नहीं आती, बहुत सी harmful radiations भी आती हैं और बहुत सारे magnetic energetic particles भी आते हैं जो आपको पता नहीं लगते हैं, लेकिन वो आते हैं. और उनका बहुत बड़ा रोल है, और वो रोल है स्पेस वेदर में. आपकी अर्थ पे आप रहते हैं, लेकिन आपकी अर्थ के बाहर जब आप बाहर जाते हैं तो सैटेलाइट्स भी हैं और वो काम कर रहे हैं, और वो सैटेलाइट स्पेस वेदर में आते हैं. स्पेस वेदर, दिस होल वाइट बोर्ड इज़ अ काइंड ऑफ स्पेस वेदर. और यहाँ पर कहीं आपका अर्थ प्लैनेट है, उस पर आप रह रहे हैं, आपको कोई इशू नहीं, क्योंकि आपका एक अपना लोकल वेदर है जो एक बड़े क्लाइमेट का हिस्सा है, और क्लाइमेट आपके बड़े एटमॉस्फेयर का हिस्सा है. लेकिन ये आपकी अर्थ और एटमॉस्फेयर के परे भी, इसके बाहर भी एक स्पेस है, और वो स्पेस का अपना वेदर है. वो वेदर डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा है सन, और सन में वो जो फिनोमेना है जो उस वेदर को इम्पैक्ट कर रहा है, वो हैं द सोलर फ्लेयर्स, जिनको आप सोलर प्रोमिनेंस भी कहते हैं, सोलर स्ट्रॉम्स भी कह देते हैं, और सोलर विंड भी कह देते हैं. तो सोलर फ्लेयर्स यानी कि सूरज की ज्वालाएं, जैसे ज्वालामुखी धरती पे फटते हैं, वहाँ भी ज्वाला फटती है. तो सोलर फ्लेयर्स, यू कैन कॉल देम सोलर प्रोमिनेंस, यू कैन कॉल देम सोलर स्टॉर्म्स, सूरज की आंधियाँ, सूर्य की तूफान, और यू कैन कॉल देम सोलर विंड, सूर्य पवने, सारी चीज़ें आप कह सकते हैं. वो सारा फिनोमेना एक ही है, एक ही से दूसरे का जन्म हो रहा है. वो सारा का सारा प्रभावित कर रहा है पूरे वेदर, स्पेस वेदर को. ये सोलर पार्कर सोलर प्रोब को पढ़ना है. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आप पार्कर सोलर प्रोब की बात करें, तो पार्कर सोलर प्रोब किस प्रोजेक्ट का हिस्सा है? इट इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट दैट इज़ लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम. लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम, एंड व्हाट इज़ लिविंग विद अ स्टार प्रोग्राम? टू अंडरस्टैंड
to understand the aspects of sun and earth system that can directly affect life and society. That can directly affect life and society. सूरज सितारों के साथ जीना है हमें. क्यों जीना चाहते हैं हम? ये MCQs में as it is statement आएंगी. क्यों जीना चाहते हैं? Because वो उन aspects को समझ रहे हैं, star and earth system, sun and earth system, जो life and society को impact कर सकते हैं. क्यों पढ़ रहे हो sun को? आज आप हो कौन? जरा ध्यान से खुद को देखो. लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लेक्चर रिकॉर्ड होकर के अपलोड होगा. लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ वायरलेस माइक्रोफोन्स के थ्रू. ये कैसे हो जा रहा है? कौन सी वेव्स काम कर रही हैं? कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वर्क कर रहा है इस पे? ये सारे कैसी चीज़ें कंटेंट अपलोड हो जाएगा? इंटरनेट अवेलेबल है? कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं? सारे के सारे तो सैटेलाइट्स वर्क कर रहे हैं. आपकी पूरी लाइफ इस समय जो खड़ी है वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे खड़ी है, डिजिटल वर्ल्ड में खड़ी है. मोबाइल से चलते हो आप, सारा डाटा इससे जुड़ा हुआ है. 1989 रात के 2:15 बजे ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द कैनेडा लाइट चली गई थी, 9 घंटे के बाद आई थी. क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम, ग्रिड सिस्टम कलेप्स कर गया था. क्यों कलेप्स हुआ था? क्योंकि उस साल बहुत ज़बरदस्त सोलर फ्लेयर निकली थी सन से और उसने पूरे इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को ख़त्म करके रख दिया. इतना ज़बरदस्त मैग्नेटिक इफ़ेक्ट आया कि जो तारें थीं, जो करंट था सिस्टम, सारा इम्बैलेंस हो गया और इसी की वजह से सारे की सारी बिजली ध्वस्त हो गई. अगर आज ये होता है तो इसका सीधा इम्पैक्ट आप पे है. सो द थिंग इज़, द केसेस लाइक 1989 एंड द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ द ग्रिड पावर सिस्टम, फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेटर नॉलेज अबाउट द सोलर फ्लेयर्स एंड द सोलर विंड्स, सो दैट यू कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट इन एडवांस वट काइंड ऑफ हार्म और वट काइंड ऑफ नेगेटिव इम्फैक्ट इज गोइंग टू हैपन ऑन द इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन सिस्टम और एवरीथिंग. यू कैन बेटर अंडरस्टैंड द स्पेस प्रोग्राम्स, यू कैन बेटर formulate the security mechanism, you can better prepare your gadgets or everything to protect them from the harmful effects of that, from of the dangerous radiations and the energetic particles of the sun, because you are living in a more virtual world, you are connected with the gadgets, you are connected with the internet, so you need to protect yourself. For that you need to understand, okay? और इसकी मदद से ही हम दूसरे ग्रहों के बारे में भी कैसे पहुंचना है समझ पाएंगे, जान पाएंगे, उनके फिनोमेना को अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि वहाँ पर रेडिएशन का क्या इम्पैक्ट है, सोलर विंड वहाँ पर कैसे आती हैं, कैसे काम करती हैं. और इसी की मदद से आप समझ पाएंगे कि स्टार्स कैसे बने. बिकॉज सोलर मिशन इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपके पास कोई नियरेस्ट स्टार है तो वो सन है, और सन की मदद से ही आप बाकी स्टार्स को समझ सकते हैं. वो बाकी स्टार सारे दूर हैं, तो एक बार अगर आपने सन से निकलने वाली चीज़ें समझ ली तो सन को समझने में और आसानी होगी. इससे आप दूसरे स्टार्स के बनने के प्रोसेस को अंडरस्टैंड कर सकेंगे. बिकॉज द सन इज़ द नियरेस्ट स्टार फ्रॉम अर्थ. इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द बेसिक फिनोमेना ऑफ द सन, ऑल द इमिनेटिंग पार्टिकल्स फ्रॉम द सन, ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एवरी फिनोमेना, देन यू कैन वेरी वेल प्रिडिक्ट द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द सन, द वर्किंग ऑफ द सन, द फिनोमेना ऑफ द सन. Then on the basis of those conclusions and discoveries, you can very well understand the formation of other stars, other particles and other magnetic fields, so that you can very well plan your other space programs to the other planets, okay? Because then you can plan your voyages in a more better sense. For you can compare this situation when we were talking about the world in the medieval society. There was a complete myth then that there is some kind of edge of the earth and everyone will die if they can cross that particular edge in the oceans. So if you want to do voyages in the oceans, you want to traverse the oceans, first of all you need to understand the vast ocean. First of all, for that you need to gain the knowledge about the ocean. Us samudra ko padhna hoga. Likewise, if you want to venture into the space, you need to understand that ocean of space. And that ocean of space is impacted by a particular weather, and that weather is somewhere driven by the sun. So you need to understand the space weather if you want to venture into the other planets, if you're exploring the life on the Mars, if you're exploring the water on the moon. For that you need to understand the space weather better, and the main regulating force behind that space weather is the sun. So that for that you need to understand the sun better. Aapko suraj ko behtar padhna padega. Kyun? 99.8% mass of the whole solar system sun mein hai. 99.8% mass of the whole solar system is in the sun. That's why sun ke around sare ke sare 8 planet lagbhag 8 planet sun ke around ghoom rahe hain. Ek darjan ke around dwarf planet, almost a dozen around dwarf planets, almost 170 moons
like the moon, our moon is the moon, we can call it moon. Likewise, other satellites are revolving around the other planets, like where the Jupiter, Saturn, they're having large number of moons revolving around them. So you can understand the 170 total moons, and you can understand unaccountable comets and the asteroids. If you can understand them better, for that you need to understand the sun, because sun is having 99.8% mass of the whole solar system, and that sun is ultimately composed of 73% hydrogen, 25% helium. So 98% gases are hydrogen and helium, and rest 2% are the gases similar to the earth, like the nitrogen, oxygen, carbon. These are the gases of the sun. So for that you need to understand it if you want to understand the space weather. Okay, इसके लिए ये आपको पढ़ना पड़ता है. और सूर्य को अगर देखें तो बहुत बड़ा है, 109 अर्थ रख दें तो जितना डायमीटर बनेगा उतना सूरज का बनेगा. 109 अर्थ रखेंगे तो जितना डायमीटर बनेगा उतना सन का डायमीटर है. सारे प्लैनेट डाल दो सन के अंदर, डालने के बाद उतना 600 गुना जोड़ो फिर सन बनता है. मतलब ऐसा बड़ा सा एक्वेरियम है कांच का, उसमें 8 प्लैनेट ऐसे डल जाएंगे जैसे छोटे छोटे बंटे, लाइक द पर्ल्स यू आर गोइंग टू डिप इन साइड द सन. एंड टू फिल द सन यू नीड टू फिल 600 टाइम्स मास एंड द मटीरियल एज कम्पेयर टू द 8 प्लैनेट्स. 600 गुना ज़्यादा माल भरोगे तो सन बनेगा, तो वो तो पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अपन पढ़ रहे हैं. अब आता है सारा फेनोमेना कि हम किन किन बातों का इसमें जिक्र करेंगे. वो सोलर विंड, कोरोना, कोरोना से इजेक्ट होने वाला मास, द कोरोनल मास इजेक्शन एंड एवरीथिंग. अब हम उसकी बारी बारी डिस्कशन करते हैं. देखो, जब हम सोलर प्रोब की बात कर रहे हैं उसे ये देखना है कि ये जो कोरोना है उसका टेम्परेचर है लगभग 27 लाख डिग्री सेल्सियस, यानी कि 2.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस. लेकिन जब मैंने बताया कोर का टेम्परेचर है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, कोरोना से अंदर आइए क्रोमोस्फेयर का टेम्परेचर 32,000 डिग्री सेल्सियस, क्रोमोस्फेयर से अंदर आइए फोटोस्फेयर द सरफेस, फोटोस्फेयर का टेम्परेचर है 6,000 डिग्री सेल्सियस, और लिटरल सेंस में कहें तो 5,600 डिग्री सेल्सियस. तो सन के कोर का टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, यानी कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और सन के सरफेस का टेम्परेचर 6,000 डिग्री सेल्सियस, जिसको आप 5,600 डिग्री सेल्सियस एग्जैक्ट फिगर के तौर पर जानते हैं. कई बार 6,000 यूज होता है, कई बार 5,600. लेकिन अब अगर हम फिजिक्स के कंसेप्ट को देखें तो एनर्जी ऑलवेज फ्लो करती है हाई से लो की तरफ, हाई एनर्जी से लो एनर्जी की तरफ एनर्जी फ्लो करती है. ये बात तो जेन्युइन सी बात है. तो अगर आप सन की बात करें तो एनर्जी तो हाई से लो की तरफ फ्लो कर रही है, लेकिन ये कैसे हो जा रहा है कि फोटोस्फेयर 6,000 डिग्री सेल्सियस का है लेकिन एटमॉस्फेयर यानी कि क्रोमोस्फेयर 32,000 डिग्री सेल्सियस का, और कोरोना लिटरली 27 लाख डिग्री सेल्सियस, 2.7 मिलियन डिग्री सेल्सियस. ये बड़ा यूनिक फिनोमेना है, इसकी गुत्थी सुलझानी जरूरी थी, इसके लिए रिसर्च चल रही है. ये पार्कर सोलर प्रोब डीपली जा करके इसी को स्टडी करेगा. आई बात समझ में? अब समझाते हैं कि होने क्या वाला है, क्या क्या स्टडी करने वाला है और न्यू फाइंडिंग्स हमें क्या मिली हैं. उसके लिए पहले सोलर के कुछ फिनोमेनाज आएंगे. देखिए, एक बात आप हमेशा याद रखिएगा कि ये जो सन है इस सन में से एनर्जी निकल रही है और सरफेस पे आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड्स निकलती हैं, ये क्लियर है. अल्टीमेटली सन बना हुआ है प्लाज्मा का. प्लाज्मा क्या है? गैसेस. कौन सी गैसेस? जो चार्ज्ड गैसेस हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें, पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस हैं. आई बात समझ में? अब होता यह है कि कई बार ये जो सन है इसके अंदर ये जो पर्टिकुलर रीजन है फोटोस्फेयर के अंदर का, ये जो रीजन है सारा, इस फोटोस्फेयर के अंदर के इस रीजन में, ये है फोटोस्फेयर, ये क्रोमोस्फेयर है, इस फोटोस्फेयर के इस रीजन में एनर्जी पार्टिकल्स यानी कि फोटोन्स अपने आप को हमेशा सरफेस पे लाने की कोशिश करते हैं. इस वजह से रास्ते में वो कई सारे इलेक्ट्रॉन्स और बाकी पार्टिकल्स के साथ टकराते रहते हैं, इससे उनकी एनर्जी डिसिपेट भी होती है, और यही कारण है कि उन्हें कोर से सरफेस तक आने में इतना समय लगता है. कोर से सरफेस तक आने का समय कारण क्या है? क्योंकि एनर्जी पार्टिकल्स यानी कि फोटोन्स को रास्ते में बहुत सारे डिफरेंट पार्टिकल्स के साथ कोलिजन फेस करना पड़ता है. वो उनसे टकराते 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 रास्ता ढूंढ के किसी तरह से निकलते हैं.
ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे आपने कोई मैदान देखा है, उस मैदान में बहुत भीड़ है, लेकिन सेंटर में आपका दोस्त खड़ा है और स्पॉटलाइट उस पर है, और वो दोस्त अब आपको बुला रहा है इशारा करके, और आप स्टेडियम के उस पार है कि यहाँ आ जा। अब आपको उस स्पॉटलाइट तक पहुँचना है किसी भी तरह से। रास्ते में आपके कई लोगों को कंधे लगेंगे, कई लोगों को धक्के लगेंगे, और जहाँ से मौका मिलेगा वहाँ वीक एरिया, आप उस एरिया से होकर के स्पॉटलाइट तक पहुँचेंगे। ठीक इसी तरह से एनर्जी पार्टिकल फोटॉन्स को सरफेस पे आना होता है, ये उनका एम होता है। रास्ते में उन्हें जहाँ से मौका मिलता है वो वहाँ से निकलते हैं, और जहाँ पर वीक जोन है वो उस जगह से सरफेस पे आ जाते हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की मात्रा उतनी नहीं रह जाती है। आई बात समझ में? इसकी वजह से आपको फाइनली वो सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व होते हैं एनर्जी पार्टिकल्स फोटॉन्स। ओके अब हमने पढ़ा था कि ये सारा का सारा कन्वेक्टिव जोन है, कन्वेक्टिव जोन, और ये कन्वेक्टिव जोन जो है इसी के थ्रू एनर्जी सरफेस तक आ रही है, और कन्वेक्टिव जोन माने कि एनर्जी पार्टिकल्स ही कन्वेक्टिव जोन का हिस्सा हैं। वो जिन फोटॉन्स की मैं बात कर रहा हूँ वही हिस्सा हैं इस कन्वेक्टिव जोन का। तो ऐसा ऑब्जर्व करिए कि एक पूरा का पूरा ये सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, और इस तरह से मानिए कि आप ऊपर से देख रहे हैं, ये फ्लैट सरफेस ग्लास का बना हुआ है और आप ऊपर से देख रहे हैं, नीचे एक बहुत बड़ा वाटर बॉडी है और उसमें से कई झरने निकल रहे हैं, मल्टीपल झरने निकल रहे हैं, सारे बहुत छोटे छोटे डिस्टेंस पे रखे हुए हैं और झरनों में लाल रंग मिला रखा है। तो आप जब ऊपर से देखेंगे ना, सारे झरने एक लाइन में, आपको जब कांच से ऊपर से देखने पे लिखेंगे तो आपको झरनों का जो टॉप पोजीशन है वो एक सरफेस बनाते दिखेगा, ऐसा लगेगा कई सारे पेन ने एक साथ खड़े कर दिए हैं, कई सारे पेन ने एक साथ खड़े कर दिए ना, ऊपर से देखने पे सरफेस दिखेगा। इसी तरह से कई सारे कन्वेक्टिव सेल्स जो हैं, कई सारे कन्वेक्टिव सेल, क्योंकि सन का कोई सरफेस तो है नहीं, तो कई सारे कन्वेक्टिव सेल्स जो हैं उनको जब हम ऊपर से देखते हैं, जब हम स्पेस से देखते हैं, तो हमें एक कंटिन्यूस सरफेस दिखता है, लेकिन वो झरने, और जब सन के केस की बात करें तो वो सारे कन्वेक्टिव सेल्स जो हमें दिख रहे हैं वो हमें ग्रेन्स की तरह दिखते हैं, दानों की तरह, जो बिल्कुल ऐसा है जैसा आपने कोई दाल या चावल भिगोने के लिए डाला हुआ है पानी में, और आपने मान लीजिए कि मूंग मसूर की दाल भिगोने के लिए डाली है पानी में, जब वो भीग जाएगी पूरी तरह से फूल जाएगी तो पानी कम हो जाएगा लेकिन दाल का एक सरफेस तो दिखेगा पर पानी भी दिखेगा, तो वो आपको दाल के जो दाने दिख रहे हैं वो एक सरफेस की तरह दिख रहा है, वो ग्रेन्स हैं। इसी तरह से ये इस तरह के झरने फूटते हैं, यानी कि वो कन्वेक्टिव सेल्स हैं एनर्जी के जो अल्टीमेटली आपको दिख रहे हैं, वो क्योंकि वो बहुत डेंस, बहुत क्लोजली स्पेस्ड हैं, इसलिए वे कंटिन्यूस सरफेस की तरह दिख रहे हैं, बट ये अपीयरेंस ग्रैनुलर है, ये अपीयरेंस ग्रैनुलर अपीयरेंस है, तो ये ग्रेन्स हैं, तो इसलिए सन का फोटोस्फेयर ग्रैनुलर होता है। आई बात समझ में? इसी कंटिन्यूस पैटर्न से पूरा सन बन जाता है, इसी कंटिन्यूस पैटर्न से पूरा सन का सरफेस बन जाता है, ये बिल्कुल वैसा है। ओके अब होता क्या रहता है, ये उठते ही रहते हैं वो कन्वेक्टिव सेल्स, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हाइड्रोजन जब हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है वही सन की एनर्जी का सोर्स है। 4.8 बिलियन ईयर्स अगो सन, बिलियन ईयर्स अगो सन बना, और कुछ थ्योरीज कहती हैं कि 4 बिलियन ईयर्स तक और चलेगा, और कुछ थ्योरी कहती हैं 6 बिलियन ईयर्स तक चलेगा। तो 4.8 बिलियन ईयर्स अगो, अरब साल पहले बना, और लगभग 4 अरब साल और चलेगा, मतलब जब तक हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है तभी तक एनर्जी है। जिस दिन पूरा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो गया एनर्जी का सोर्स ही बंद हो जाएगा, और जिस दिन ऐसा हो जाएगा तो अल्टीमेटली ये जो पूरा कोर मेंटेन है, ये कोर ही मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये न्यूक्लियर प्रेशर फोर्स की वजह से ही मेंटेन है ना, बाहर की तरफ एक प्रेशर फोर्स लग रही है उसकी वजह से मेंटेन हो रहा है ना, और अंदर की तरफ ग्रेविटी लग रही है, अंदर की तरफ ग्रेविटी लग रही है, एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही है, इसलिए तो बॉडी सर्कुलर है, वरना वो सर्कुलर ही ना होती। ऐसे में एक समय के बाद जब ये हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट होना बंद हो जाएगा तो अर्थ का जो सन का ये जो पूरा का पूरा साइज है ये उसका 1% रह जाएगा। इसे हम वाइट ड्वार्फ कहेंगे, क्योंकि ये जब यहाँ पर एनर्जी फॉर्म होनी बंद हो जाएगी ये स्क्वीज कर जाएगा, बाकी की लेयर्स इसी पे कोलैप्स कर जाएगी, तो ये वाइट ड्वार्फ हो जाएगा। इस समय हम सन को कहते हैं येलो ड्वार्फ, हमारा सन येलो ड्वार्फ है और ये वाइट ड्वार्फ हो जाएगा, और उस वाइट ड्वार्फ के बाद एक स्टेज और आएगी जब ये एक इरेडियंस जियांट हो जाएगा, रेडिएशन नहीं आएगी, इरेडियंस जियांट,
और उसके बाद ये वहाँ से लुप्त ही हो जाएगा अपनी ही ग्रेविटी के इम्पैक्ट में, और वहाँ पे रह जाएगी ऑल परवेसिव एनर्जी दैट इज ग्रेविटी, वो होगा ब्लैक होल, तो ब्लैक होल होगा। आई बात समझ में? अब इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हो क्या रहा है यहाँ पर, कई बार एपिसोड्स ये हो रहे हैं कि हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा कन्वर्ट हो रहा है तो एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, और वही एनर्जी पहले रेडिएशन की फॉर्म में ज़्यादा जाएगी, फिर वही कन्वेक्टिव सेल्स की फॉर्म में भी उतनी ज़्यादा होगी, और अल्टीमेटली वो जो शीशे से आप झरने देख रहे हो ऊपर से, नीचे से लाल लाल झरने आ रहे हैं, उनमें से कोई एक झरना जो है वो शीशे की जगह मानिए कि वो जेली सरफेस है, कोई एक झरना उसे जेल को फाड़ के बाहर आ जाएगा, कोई एक झरना जेल को फाड़ के बाहर आएगा, वापस से उसे गिरना तो जेल पे ही है क्योंकि सन की ग्रेविटी है। तो वो जो बाहर की तरफ आ जाएगा पूरा का पूरा कन्वेक्टिव सेल से होने वाली वो एनर्जी, वो जब बाहर आएगी तो बाहर एनर्जी आ रही है, लेकिन किन के साथ आ रही है? आ तो मैग्मा, आ तो गैस ही रही है, आ जो रहा है वो तो प्लाज्मा है, और प्लाज्मा चार्ज्ड प्लाज्मा है, मैग्नेटिक प्लाज्मा है, तो वो चार्ज्ड गैस के फॉर्म में वो सारा का सारा गैस जब बाहर की तरफ आएगा तो होगा ये कि एनर्जी तो डिसिपेट हो जाती है, एनर्जी कभी वापस नहीं आती, गैसेस वापस आती हैं अर्थ की तरफ, सॉरी सन की तरफ, क्योंकि सन की अपनी ग्रेविटी है, और गैसेस जो हैं वो जब सन की तरफ वापस आएंगी तो एक यूनिक चीज़ होती है ये, इस तरह से जब यहाँ से मटेरियल बाहर आएगा, एनर्जी निकल जाएगी, ये गैसेस वापस फॉल बैक करेंगी, और ये फॉल ऐसे करेंगी कि अगर मैं ये पूरे सन को देखूँ तो इसका साउथ पोल है नॉर्थ पोल है, तो ये फॉल इस तरह से करेगी, यहाँ से गैसेस उठेंगी, ये गिरेंगी नॉर्थ की तरफ, गिरेंगी नॉर्थ पोल की तरफ यहाँ, ओके। इसको कहते हैं सोलर आर्क, सोलर आर्क, गैसेस आर्क बनाती है, फॉल बैक जब करती है तो पोल नॉर्थ पोल ओरिएंटेशन हो जाती है, तो ऐसे गैस उठी और ऐसे ही गिर गई, ऐसे बना दी आर्क जैसी, इसे सोलर आर्क कहते हैं। वही बात समझ में? अब ये जो पर्टिकुलर सोलर ज्वाला जो उठी थी इसी को कहते हैं सोलर फ्लेयर, एक आग की ज्वाला सी उठी है। ये सोलर फ्लेयर जब उठेगी, उठने का मतलब यहाँ पर क्या है? मैंने अभी बताया कि गैस चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, गैस के अंदर चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, तो गैस एक तरह की मैग्नेटिक गैस है, तो मतलब एक तरह की मैग्नेटिक फील्ड है। जब वो मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आएगी ना, ये बिल्कुल रबड़ बैंड की तरह आती है, इस तरह से बाहर आएगी, समझ आ रहा है? इस तरह से बाहर की तरफ आएगी, एक पॉइंट के बाद ये इतनी स्ट्रेच हो जाएगी रबर बैंड की तरह, आप खींचते जाएं कि इसका एक हिस्सा सेंटर से डिटैच होके आगे एक क्लंप बन जाएगा और पीछे वाला वापस से उसी में ही रह जाएगा। ये इतनी का स्ट्रेच हो जाएगी कि मिड से आगे का हिस्सा एक पानी की बूंद की तरह, एक क्लंप की तरह कट के आगे निकल जाएगा और ये पीछे रह जाएगी। वो जो क्लंप कट के आगे को निकल जाएगा ना, वो सोलर विंड है, वो सोलर विंड हो जाएगी। सोलर विंड का जन्म सोलर फ्लेयर से ही तो हुआ, वो सोलर विंड आगे की तरफ निकल जाएगी, वो सोलर विंड मरकुरी से होके गुजरेगी, वही सोलर विंड वीनस से होके गुजरेगी, वही सोलर विंड अर्थ से होके गुजरेगी। जब अर्थ से होके गुजरेगी तो एक खास चीज़ होगी, ये जो अर्थ है अपनी ना, इसकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है, इस तरह से साउथ से नॉर्थ जाती है, ये अर्थ मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब वो सोलर विंड, ये सोलर क्लंप, ये जो मैग्नेटिक क्लंप है जो कि एक तरह का किसके साथ आया है, ये चार्ज्ड गैस है, प्लाज्मा, सन का प्लाज्मा, ये जब आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड को, बेटा देखोगे तो नहीं, अब है ना ऐसे कह रहे हो ओ मैग्नेटिक फील्ड आ रही है, आएगा तो कुछ बादल जो होता है बेटा, बादल बदलियाँ, बादल से बिजली गिरती सुनी, बादल में बिजलियाँ गिरती सुनी, बादल है तो बिजली है ना भाई, बादल में चार्ज है ना तो बिजली बनी ना, समझ रही है बात? इसी तरह से ये एक क्लंप आएगा ना गैस का, मैग्नेटिक फील्ड ही आ रही है एक तरह से आपकी तरफ, और वो जो क्लंप आएगा जब वो आकर के आपकी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड से टकराएगा, अर्थ में भी मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें भी मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों से जब जैसे ही ये क्लंप आकर के इससे टकराएगा, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड एक यूनिक चीज़ करेगी, यहाँ से इसका सिरा खुल जाएगा और ये स्ट्रेच होगी इस दिशा में, अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के सिरे खुल जाएंगे और ये इस दिशा में स्ट्रेच हो जाएगी उसके साथ मिल करके। प्रोटेक्शन के लिए कुछ लेयर्स मैग्नेटिक फील्ड की रहेंगी, लेकिन मेजॉरिटी लेयर्स खुल करके उसके साथ ही चली जाएंगी। जैसे कोई आए, मैं ऐसे खड़ा था, उधर से कोई आया, उसने मेरा हाथ पकड़ा और खोल के पीछे कोई ले गया मुझे, ऐसे उधर से आया, मेरा हाथ खोला और पीछे कोई ले गया,
तो ये इस तरह से स्ट्रेच हो जाएंगे इस तरफ, लेकिन जब स्ट्रेच होने के बाद ये यहाँ पर ज्वाइंट हो जाएंगे अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्लंप तो आगे निकल जाएगा लेकिन उसके पार्टिकल और मैग्नेटिक फील्ड के पार्टिकल इंटरेक्ट कर चुके हैं, तो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वापस आएगी अपनी जगह पे, और जैसे ही वो क्लंप आगे निकल जाएगा अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड वापस आना चाहेगी, उसमें जो सारे पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे पार्टिकल्स आ करके गिरेंगे नॉर्थ पोल और साउथ पोल इस रीजन में, क्योंकि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम होती है, क्योंकि यहाँ पर डिप कर रही है ना मैग्नेटिक फील्ड। जैसे ही वो इस रीजन में आएंगे पार्टिकल्स, तो यहाँ पर अवेलेबल हल्की गैसेस जैसे ऑक्सीजन और बाकी चीज़ें, उनसे वो जब इंटरेक्ट करेंगे तो ल्यूमिनेसेंस क्रिएट होता है और वो होता है ऑरोरा। अगर नॉर्थ में है तो ऑरोरा बोरोलिस, साउथ पोल में है तो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, ऑरोरा। तो ऑरोरा के इवेंट अगर बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि सोलर विंड बढ़ रही है, मतलब सोलर फ्रेयर बढ़ रही है। तो ऑरोरा के बढ़ते इवेंट इस बात के द्योतक हैं, इस बात का एक सिंबल है कि क्या बढ़ रहे हैं, सोलर विंड्स बढ़ रही हैं। आई बात समझ में? तो ये बात क्लियर हुई। इस तरह से वो सोलर फ्लेयर, अब यही रीजन जो है इट इज कॉल्ड द सोलर प्रोमिनेंस। ये क्या है? सोलर प्रोमिनेंस। अब मैंने आपको ये बात बताई कि ये तो इस तरह से स्ट्रेच हो रहा था, तो एक क्लैंप तो टूट के आगे चला गया, बाकी वो सर्कल मेंटेन रहा। तो जब गैसेस निकलती हैं, एनर्जी तो डिसिपेट हो गई, बट वो अब लेस एनर्जी ओरिएंटेड गैसेस वापस आकर के गिरी हैं। तो ऐसे कन्वेक्टिव सेल्स बन रहे थे, है ना? इन कन्वेक्टिव सेल से यहाँ से तो एनर्जी निकली, किसके साथ? प्लाज्मा के साथ। प्लाज्मा चार्ज्ड गैसेस, एनर्जी तो चली गई, गैसेस वापस से आकर के गिरेंगी, कुछ चली जाएंगी कुछ गिरेंगी, और ऐसे ऐसे अगर ये चल रहा है सिस्टम तो वो यहाँ सेंटर में आके गिरेंगी, क्योंकि ये तो पहले ही हाईली हाई हीट है, हाईली चार्ज्ड है, तो वो आकर के सेंटर में गिरेंगी जब, तो अल्टीमेटली सपोज कीजिए ये एक रीजन है, ये एक रीजन है कन्वेक्टिव सेल का, यहाँ से गैस निकली थी, यहाँ से गैस निकली थी, अब वापस फॉल बैक करेगी, गिरेगी यहाँ पे, कहाँ पे? यहाँ पे, जिस रीजन में वो आकर के गिरेगी फोटोस्फेयर में, नेचुरली वहाँ पर तो अब टेम्परेचर कम ही हो गया, क्योंकि गैस जब निकली थी तो गर्म थी, अब ठंडी हो के वापस आई है। एज़ कम्पेयर टू एडजेसेंट टू रीजन्स, वहाँ पर अभी भी हीट ज़्यादा है, तो जहाँ पर वो आकर के गिरेगी वो एज़ कम्पेयर टू अपने साथ के रीजन के कंपेरेटिवली गर्म हो जाएगा, सॉरी साथ के रीजन के कंपेरेटिवली ठंडा हो जाएगा, तो इसलिए ये कहलाएगा कूलर पैचेस। अगर आप टेम्परेचर के बेसिस पे कहें तो ये कूलर पैच है, लेकिन अब यहाँ पर टेम्परेचर कम है तो ल्यूमिनेसेंस उतना ही कम होगा, क्योंकि ये लो एनर्जी रीजन है और ये हाई एनर्जी रीजन है इसके साथ वाले, तो इसकी वजह से यहाँ से ज़्यादा लाइट एमिनेट होती दिखेगी एज़ कम्पेयर टू दिस, तो ये कहलाएगा लाइट के माध्यम से सन स्पॉट। ये सन स्पॉट हुआ लाइट के कॉन्टेक्स्ट में, और ये कूलर पैच हुआ टेम्परेचर के कॉन्टेक्स्ट में। अब जितना बड़ा ज्यादा सन स्पॉट उतनी ज्यादा सोलर विंड ना, क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा सोलर फ्लेयर होगी उतनी ज्यादा बड़ी क्लंप बनेगा, वो क्लंप जितना बड़ा वो क्लंप होगा उतनी ही ज्यादा एनर्जी डिसिपेट हुई और गैसेस वापस गिरी, जितनी ज्यादा गैसेस वापस गिरेंगी उतना ही बड़ा कूलर पैच बनेगा, और जितना बड़ा कूलर पैच है वही एक तरह का सनस्पॉट है, तो जितना बड़ा सनस्पॉट उतनी ज्यादा सोलर विंड। और ये हुआ क्या है यहाँ पर एक्चुअली में, ये दोनों रीजन जो सराउंडिंग रीजन है यहाँ पर ज्यादा हाई एनर्जी रीजन है, मतलब यहाँ पे प्लाज्मा ज्यादा एक्टिव है, यानी कि यहाँ पर ज्यादा आयोनाइज्ड गैस है, मतलब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है, जो तो सेंट्रल रीजन है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फिर कम है, ये लेस मैग्नेटिक फील्ड जोन्स हैं, ओके? तो लेस मैग्नेटिक फील्ड रीजन, कूलर पैचेस, सन स्पॉट्स, ये सारी कहानी बनती है, तो सोलर विंड बनती हैं। आई बात समझ में? और यही सोलर विंड आकर के जब आपके एटमॉस्फेयर से गुजरती हैं तो आपका एटमॉस्फेयर डेंस है अर्थ का, और जब ये उसके साथ टकराती हैं तो फ्रिक्शन क्रिएट होती है, उस फ्रिक्शन से साउंड क्रिएट होते हैं, जैसे कोई सीटी बजा रहा है, विसल्स, इसलिए इसको विसलिंग इफेक्ट कहते हैं। और जो सैटेलाइट्स हैं आप उनके थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, और जो भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन अर्थ के थ्रू हो रहा है उसमें फिर वो डिस्टॉर्शंस आते हैं फ़ोन कॉल्स और बाकी चीज़ों में, इसे कहते हैं विसलिंग डिस्टर्बेंसेस। ये विसलिंग डिस्टर्बेंसेस हैं। देखिए आपके स्पेस वेदर कितने बड़े लेवल पर प्रभावित कर रहा है आपके टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को और बाकी चीज़ों को। तो ये सोलर विंड सिस्टम हुआ, सोलर प्रोमिनेंस सिस्टम हुआ, ये जो क्लंप आया है आंधी की तरह, सोलर स्टॉर्म ही है ना एक तरह का, ये सोलर स्टॉर्म सिस्टम हो गया, और यही सोलर फ्लेयर भी है।
और अल्टीमेटली ये सारा प्रोसेस इस तरह से चलता रहता है। अब देखिए पार्कर प्रोब के मुताबिक क्या क्या चीज़ें सरफेस पे आई हैं उनको समझने के लिए एक चीज़ और समझ लेते हैं। देखिए इतना तो आप सब जान चुके हैं कि सन बहुत सारी चीज़ों का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हमें ऑब्जर्व होती हैं जब हम खास तरह के इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं, कोरोना का सोर्स है, कोरोना जो कि एक हेलो ओरिएंटेड स्फीयर है वहाँ के क्रोमोस्फीयर का, कोरोना क्या होता है वो अभी समझ आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो कुछ चीज़ें हैं जो बहुत यूनिक हैं सन से रिलेटेड। आज के लेक्चर के मुताबिक जितना समझना चाहिए वो मैं समझाने जा रहा हूँ। जैसे अर्थ स्फेरिकल बॉडी है ना, और अर्थ का जो इक्वेटर रीजन है वो बल्ज करता है बाहर की तरफ, इसी तरह से सन का भी इक्वेटोरियल रीजन बल्ज करता है बाहर की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ये इक्वेटोरियल रीजन, अगर मैं यहाँ से एक लाइन बनाऊँ तो इक्वेटर बनती है वो लाइन जो किसी भी स्फेरिकल बॉडी को दो हाफ में बांटती हो। तो अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर रीजन जो है ये इक्वेटर हो गया, बल्ज रीजन है। अब एक खास एक्टिविटी होती है कि जो सन है उसके फोटोस्फेयर से मास इजेक्ट होता है, और वो मास इजेक्ट होता है तो एक तरह के ज्वाला फूटती हैं जिन्हें हम सोलर फ्लेयर्स कहते हैं, जो मैंने अभी समझाई आपको लेक्चर के अंदर। एक तरह समझिए जैसे कि मैग्मा बाहर आ जाता है सन के सरफेस के ऊपर, तो वॉल्केनो जैसी चीज़ें ऑब्जर्व हो रही हैं आपको। ओके, इसका एक साइकिल है और ये रिदमिक पैटर्न में होता है। ये रिदमिक पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है जब हम इसे समझते हैं इस एस्पेक्ट में कि सन स्पॉट का साइकिल क्या है। आई बात समझ में? ये सन स्पॉट और ये सारी चीज़ें आपको समझ आएंगी जब आप लेक्चर को सुनेंगे समझेंगे। अब ये कहा जाता है कि कुछ पॉइंट सन के फोटोस्फीयर पे ऐसे हैं जहाँ पर ये पर्टिकुलर जो सोलर फ्लेयर्स निकल रही हैं, जो सौर या ज्वाला निकल रही हैं, ये बहुत ज़्यादा निकलती हैं, और कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पर कम निकलती हैं, कहीं ज़्यादा कहीं कम। जहाँ ज़्यादा निकलती हैं उसे सोलर मैक्सिमा कहते हैं, जहाँ पर कम निकलती हैं उसे सोलर मिनिमा कहते हैं। कम और ज़्यादा निकलने के कारण मैं अभी बता देता हूँ, पहले आप सिस्टम समझिए। जो इक्वेटर के रीजन के अराउंड निकलती हैं, फिर 10 डिग्री नॉर्थ, फिर 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 40 डिग्री तक ये आपको सोलर एक्टिविटी होती नज़र आती है। कौन सी? सोलर फ्लेयर्स के निकलने की एक्टिविटी। तो ये कैसे होता है? जब आप शुरुआत में देखते हैं, स्टार्टिंग में ऑब्जर्व करते हैं, तो इक्वेटर के अराउंड सन फ्लेयर, सोलर फ्लेयर आपको नज़र आई, उसके बाद ये आपको इक्वेटर से ऊपर नज़र आएगी, फिर उससे ऊपर नज़र आएगी, उससे ऊपर नज़र आएगी। तो इस तरह से ये सोलर फ्लेयर्स 5.5 साल लगेंगे इक्वेटर से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक जाते जाते। आई बात समझ में? जाने का मतलब यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ ही एक जगह से ट्रेवल करके दूसरी जगह तक जा रही है। जाने का मतलब ये है कि इसको बिल्कुल इस तरह से समझिए, सपोज़ करो कि आपने यहाँ से वहाँ तक 10 ढेर लगा रखे हैं। पहला ढेर बारूद का बहुत बड़ा है, उसके बाद उससे छोटा ढेर है, उसके बाद उससे छोटा, और लास्ट तक बिल्कुल छोटा ढेर लगा है। तो जब आप एक दूसरी जगह से खड़े होकर के देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक कंटिन्यूस लाइन बनी या साइकिल बना। तो पहले बड़ा ढेर जलेगा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, इसी तरह से साइकिल रिपीट होगा। ये बिल्कुल वैसा है, अगर आपने पुराने ज़माने के स्टीरियो देखे हों तो उनमें लाइट बल्ब्स लगे होते थे, जो LED बल्ब्स होते थे, ऑरेंज कलर के, वाइट कलर के, येलो कलर के, रेड कलर के। उसमें आपको एक पैटर्न दिखता था आता जाता, वो पैटर्न नहीं होता है। या आज भी आप अपने घरों के बाहर जब देखते हैं, या कोई टेंपल या कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेस, तो उसमें आपको दिखता है जैसे कि बल्ब्स एक लाइन में आगे जा रहे हैं। तो बल्ब्स एक लाइन में आगे नहीं जा रहे हैं, वो एक सीक्वेंस में बल्ब्स जल रहे हैं, इसलिए आपको वो एक कंटिन्यूस मूवमेंट नज़र आता है कि वो चीज़ आगे की ओर बढ़ रही है। इसी तरह से ये भी हो रहा है, यहाँ पर हुआ इवेंट, फिर उसके ऊपर हो रहा है, फिर उसके ऊपर हो रहा है, फिर उसके ऊपर हो रहा है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये इसकी इनिशियल डेट मानी आपने, जब सबसे बड़ा इवेंट नज़र आया सोलर फेयर, तो ये हुआ सोलर मैक्सिमा। और लास्ट पॉइंट वो कंसिडर है जिसके बाद फिर ये इतने प्रोमिनेंट नहीं है कि ये नोटिस में रहें और इम्पॉर्टेंट रहें, तो वो सोलर मिनिमा पॉइंट। तो 40 डिग्री लेटिट्यूड के अराउंड जा करके सन की जो वो लेयर जो हमें अर्थ से नज़र आती है, जिसे कहते हैं फोटोस्फीयर, वहाँ पर होता है सोलर मिनिमा। और फिर वापस आने शुरू होंगे 5.5 साल के बाद, फिर से वापस आने शुरू होंगे ठीक उसी श्रेणी में, वहाँ से सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, इक्वेटर तक आते आते सबसे बड़ा। तो वापस आप 5.5 साल आने में लेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 11 साल।
तो टोटल ये 11 साल है जब आपको फर्स्ट सोलर मैक्सिमा के बाद फिर से दूसरा सोलर मैक्सिमा दिखता है। तो इसको लेमैन लैंग्वेज में ऐसा कह देते हैं कि सन स्पॉट एक्टिविटी 11 साल पे रिपीट होती है। एक्चुअली में वो 11 साल पहले इक्वेटर पे दिखी थी अपन को, और उसके बाद फिर वो ऊपर की तरफ गई 40 डिग्री लैटिट्यूड की तरफ, वापस से फिर 5.5 साल लेकर के वो वापस की तरफ आई है। तो वो 11 साल इस तरह से पूरे हैं, 5.5 साल जाने में, 5.5 साल आने में। आई बात समझ में? तो वो हो गया आपका एक पूरा का पूरा सन स्पॉट साइकिल, वन सन स्पॉट साइकिल ऑफ 11 ईयर्स। लास्ट सन स्पॉट साइकिल जो आपका शुरू हुआ है ये 23, अब सन स्पॉट साइकिल्स तो सदियों से हो रहे हैं लेकिन हमें नोटिस तो कभी ना कभी से ही हुए होंगे, तब से लेकर के अब तक 23 सन स्पॉट साइकिल्स हो गए हैं, और 2015 में 23rd सन स्पॉट साइकिल मुकम्मल हुआ। तो अब जो आप किस सन स्पॉट साइकिल में हैं, आप हैं 24th सन स्पॉट साइकिल में, और ये 24th सन स्पॉट साइकिल जो है ये कब तक चलेगा, ये लगभग 2026 तक चलेगा, क्योंकि 11 साल ऐड कर लेंगे ना 2015 में, तो 2026 तक, तो आपका ये प्रोसेस क्लियर है 2026 तक। आई बात समझ में? तो इसको हमने सन स्पॉट साइकिल के तौर पर माना गया है। क्लियर हुई? और जब हम एक एक इवेंट की बात कर रहे हैं तो उस एक एक इवेंट को हम कह रहे हैं सोलर एक्टिविटी या सन स्पॉट एक्टिविटी। तो एक एक इवेंट सन स्पॉट एक्टिविटी या सोलर एक्टिविटी, 5.5 साल जाके 5.5 साल के बाद वापस आया, ये पूरा हो गया एक सन स्पॉट साइकिल या पूरा का पूरा एक सोलर साइकिल। इस तरह क्लियर हो गया? ये वर्ड, ये वर्ड्स कन्फ्यूज करते हैं इसलिए मैंने समझा दिया। सवाल ये पैदा होता है इक्वेटर पे मैक्सिमम क्यों हुआ और 40 डिग्री पे मिनिमम क्यों हुआ और उसके बाद क्यों नहीं हो रहा। देखिए, जब आप अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ अपने आप में बल्ज है, और जहाँ पर अर्थ बल्ज है यानी कि इक्वेटर रीजन, नेचुरली वहाँ पर उसका एरिया एक्सटेंडेड है, तो नेचुरली उसके बीनीथ उस लेयर के अंडर ज़्यादा मास है, और ज़्यादा मास है तो फिर ज़्यादा प्रेशर है, और ज़्यादा प्रेशर है तो ज़्यादा टेम्परेचर है। अगर ये बॉटल है या आप हैं, आपको दोनों तरफ से कान पकड़ के अगर मैं अभी दबाने लगूँ ऐसे, प्रेशर है तो कान नाक मुंह सब गर्म हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। इसी तरह से ये बॉटल का वॉल्यूम कांस्टेंट है, बंद है ना, मैं नीचे से जब इसमें आग जलाऊंगा ना तो टेम्परेचर बढ़ाऊंगा, तो ये जो पर्टिकुलरली वाटर मॉलिक्यूल हैं ये वेपोरेट होंगे, साइज़ में एक्सपेंड हो जाएंगे और ये इन दीवारों पर जाके चिपकेंगे, पर रास्ता बंद है, बाहर नहीं जा सकते, इसकी वजह से दीवारों पर दबाव बढ़ाएंगे, प्रेशर बढ़ाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन बढ़ जाएगी इसमें, इसलिए टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर बढ़ता है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ताप बढ़ाओ तो दाब बढ़ता है। ये बात क्लियर हुई? ठीक, इसी तरह से प्रेशर बढ़ाओ तो टेम्परेचर बढ़ता है। यही रीज़न है कि अर्थ के कोर में इतना टेम्परेचर है, क्योंकि सुपर इनकम्बेंट लोड बहुत है, प्रेशर इज़ वेरी मच, दैट्स व्हाई टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई। यही कारण है कि जब आप इक्वेटर की बात करते हैं तो दिस रीजन के कंपैरेटिवली ये रीजन ज़्यादा है। अगर कोर से मैं ये देखूं तो ये ज़्यादा है, तो उतना ही मास ज़्यादा है, उतना ही प्रेशर ज़्यादा है, क्योंकि डेंसिटी ज़्यादा हो गई ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, तो मास ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा हो गई, इस प्रेशर की वजह से ही इस पर्टिकुलर रीजन में हाइड्रोजन हीलियम में ज़्यादा कन्वर्ट होता है, क्योंकि आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं ना, तो जितना ज़्यादा आप प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर है, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा, और जितना ज़्यादा हाइड्रोजन हाइड्रोजन से जुड़ेगा हीलियम बनेगा। मतलब दो छोटी चीज़ों ने जुड़ करके एक बड़ी चीज़ बनाई है, दो हल्की चीज़ों ने जुड़ के एक भारी चीज़ बना दी अपने से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ के हीलियम बनाएंगे। तो इस जुड़ने में हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन आपस में जो जुड़ेंगे उनका भी कुछ मास लॉस होगा, उसे मास डिफेक्ट कहते हैं, वही मास एनर्जी बन जाता है, क्योंकि जो भी पदार्थ हैं इस पृथ्वी पर कुछ नहीं है, वो ऊर्जा ही है, E=mc². ऐसा आइंस्टाइन कहते थे कि एक दिन एनर्जी मैटर ही बनेगी, और जब मैटर ख़त्म होगा तो रहेगी सिर्फ एनर्जी। जैसे जो सन है वो एक तरह का आज मैटर है, लेकिन जब वो ख़त्म होगा रहेगी सिर्फ एनर्जी, वो है ग्रेविटेशन, तो वो हो जाएगा ब्लैक होल, वो ब्लैक होल हो जाएगा। ओके, तो इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पर फिर ज़्यादा एनर्जी फॉर्म हो रही है, तो वो एनर्जी यहाँ से ज़्यादा रेडिएट हो रही है, फिर यहाँ पर ज़्यादा बड़े कन्वेक्टिव सेल्स बन रहे हैं,
कन्वेक्टिव सेल्स एनर्जी के मूव करने के तीन तरीके हैं, एक कंडक्शन, मुझे आखिरी आदमी तक बॉल पहुंचानी है तो मैं अपने साथ वाले को, वो उसके साथ वाले को, उसके साथ वाले लास्ट। दूसरा कन्वेक्शन, मैं सीधा ही बॉल लेके चला जाऊँ उसके पास। तीसरा रेडिएशन, मैं उड़ा के फेंक दूँ उसके पास। ये तीन तरीके होते हैं। ऐसे में ये जो कन्वेक्टिव सेल्स बनते हैं जिसके थ्रू एनर्जी बाहर आती है, ये यहाँ पर मैक्सिमम एक्टिविटी होती है, इसलिए सबसे ज़्यादा ज्वाला यहाँ पे होती है, सोलर फ्लेयर्स। आई बात समझ में? और जितनी ज़्यादा सोलर फ्लेयर्स होंगी तो एनर्जी तो निकल गई, जो बची हुई एनर्जी फ्री गैस का मास है वो वापस आके गिरेगा, जहाँ पे आके गिरेगा वहाँ पे बनेंगे डार्क स्पॉट्स, क्योंकि सराउंडिंग रीजन ज़्यादा इल्यूमिनेटेड है, वो ज़्यादा एनर्जी होल्डर है, जहाँ पे आके वो ठंडी गैस गिरी है वो डार्क दिखेगा उसके कंपैरेटिवली। तो कूलर पैचेस डार्क डार्क स्पॉट्स, दैट इज सन स्पॉट्स। लेकिन इसके कंपैरेटिवली 40 डिग्री पे ये गतिविधि कम होगी, वहाँ पर मास कम है तो वहाँ पर ये एक्टिविटी कम होगी, इसीलिए फिर इक्वेटर से ऊपर तक जाते जाते ये कम होता है और फिर वापस इक्वेटर की तरफ आओ तो ये बढ़ता है। ये बात समझ में आई? तो ये यहाँ पर मैक्सिमम होता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया सोलर मैक्सिमा क्या होता है, सोलर मिनिमा क्या होता है। इन सन स्पॉट्स का सीधा असर है हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर पे, हमारी अर्थ के टेम्परेचर पे। क्लाइमेट में हम इसे अच्छे से डिस्कस करेंगे। जब भी सन स्पॉट एक्टिविटीज़ बहुत ज़बरदस्त होती हैं तो ये अर्थ के टेम्परेचर को राइज़ करने का काम करती है, अर्थ टेम्परेचर रेज़ हो जाता है और उससे अल्टीमेटली क्लाइमेट जो है वो वेरिएबल हो जाता है, उसमें चेंजेस आ जाते हैं उस साल के लिए। ये एक इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है। इतनी बात क्लियर? ऐसा माना जाता है कि समवेयर अराउंड, जब आपने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हिस्ट्री में एक रीज़न ये भी था कि यूरोपियंस पूरे वर्ल्ड को इसलिए भी जीतना चाह रहे थे क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग आइस एजेस आ चुकी थी यूरोप में, मैंने पढ़ाया है, और जानवरों के मीट को, फ्लैश को खाने लायक बनाए रखने के लिए उसे मसालों से मैरिनेट करना पड़ता था। मसाले इक्वेटोरियल कंट्री में मिलते हैं जहाँ पे गर्म वातावरण होता है, जैसे भारत, इसलिए वो लोग भारत आए। क्यों? क्योंकि 1650 के अराउंड, 1650 के अराउंड लगभग सन स्पॉट एक्टिविटीज़ बहुत प्रोमिनेंटली सोलर मिनिमा हो गई थी, सोलर मिनिमा का फेज़ ज़्यादा लंबा चल गया। तो 1650 से लेके लगभग 1720 तक सोलर मिनिमा का फेज़ रहा, इसकी वजह से टेम्परेचर कम हो गया था और रशिया, यूरोप ऐसी कंट्रीज़ में एक छोटे लेवल की आइस एजेस आ गई थी, जिन्हें लिटिल आइस एजेस भी कहा जाता है। इसकी वजह से ही उन लोगों को पूरे विश्व भर के इक्वेटोरियल कंट्रीज़ में जाना पड़ा स्पाइसेस और बाकी चीज़ें लेने के लिए, क्योंकि ग्रासलैंड्स बचे नहीं थे जहाँ पर जानवर ग्रेजिंग कर पाए पेस्टोरलिस्ट के तौर पर। अब जब घास चरने वाले मैदान ही नहीं है तो जानवर भी मर जाएगा। ऐसे में फिर जानवर को मरने के बाद भी खाने लायक बनाए रखने के लिए, उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए उसे मसालों से मैरिनेट करना पड़ता है, जैसे अचार डालते हैं हम, ताकि वो 1-1.5 साल तक चल सके। तो इसलिए मसालों की मांग काफ़ी रहती थी। ये सारा कुछ इतना समझ आया जितना मैंने अभी आपको बताया? अब हमें उन चीज़ों पर बात करनी है जो फाइंडिंग्स आई हैं पार्कर सोलर प्रोब में, और ये बहुत बहुत प्रोमिनेंट फाइंडिंग्स हैं। इन चीज़ों को हम समझने का प्रयास करते हैं। मैंने चीज़ें नोट डाउन करी हैं और मैं बोल दूंगा इंग्लिश में, आप वीडियो के थ्रू जा करके कर लेना, क्योंकि लिखाने जाएंगे तो टाइम बहुत लग जाएगा, उन चीज़ों को समझना है। मैं वन बाय वन वो चीज़ें डिक्टेट कर देता हूँ। पहले के लेक्चर के बिगनिंग टाइम में हमने चीज़ें काफ़ी हद तक बताई हैं, अब उसके आगे की बात हम करते हैं। सबसे पहली बात यह है कि अगर हमने इसको छोड़ा है तो इसकी कुछ खासियतें होंगी। ये फास्टेस्ट सोलर प्रोब मिशन है अब तक का, जो बहुत तीव्र गति से चल सकता है। ये 200 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से चलता है, एक पॉइंट पर 200 किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि मैंने आँख झपकी और इसके 200 किलोमीटर तय है। आई बात समझ में? तो ये अब तक का फास्टेस्ट है। अगली इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, इसे छोड़ा किसके द्वारा गया होगा? तो इसको छोड़ने के लिए जो लॉन्च व्हीकल है वो है Delta IV हैवी लॉन्च व्हीकल। इट इज़ द Delta IV हैवी लॉन्च व्हीकल। जैसे आज की डेट में इंडिया में आप कोई भी इस तरह की चीज़ें लॉन्च करते हैं तो आप PSLV पोलर सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स, GSLV जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल्स, व्हीकल्स होते हैं जिनके थ्रू हम इन्हें लॉन्च करते हैं। व्हीकल्स का सिंपल मतलब ये है कि रॉकेट्स, रॉकेट्स के थ्रू हम इन्हें ले जा करके लॉन्च करते हैं। तो वो जो वहाँ पर यूज़ किया अमेरिकन्स ने, उनका Delta IV हैवी व्हीकल है। जैसे भारत में हमने खास जगह चुनी है श्री हरिकोटा, जहाँ पर सतीश धवन स्पेस सेंटर है। श्री हरिकोटा कहाँ पर है ये भी समझना ज़रूरी है, कहाँ पर है? देखिए, इंडिया में जब आप साउथ ईस्टर्न कोस्ट रीजन देखते हैं इंडिया का, वहाँ पर आपको एक लेक दिखेगी, पुलिकट लेक। पुलिकट लेक के आगे एक एक्सटेंडेड रीजन है लैंड का, आगे को बढ़ता है समुद्र की तरफ, तो लगून एरिया है और उसी लगून पर बना है श्री हरिकोटा। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। ओके,
और यहाँ से हम लॉन्च करते हैं इसी तरह से अमेरिका, यूएसए, उसका साउथ का रीजन देखेंगे तो वहाँ पर है फ्लोरिडा। तो फ्लोरिडा में ही कैनेडी स्पेस सेंटर है जहाँ से वो इसे लॉन्च करते हैं। कैनेडी आपको पता ही है, उनके राष्ट्रपति रहे हैं जॉन एफ कैनेडी। तो इसे लॉन्च कहाँ से किया गया है, ये कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से लॉन्च हुआ है, ये बात का आपको ध्यान रखना है। ये कैसा स्पेस क्राफ्ट है, क्या ये मैंड स्पेस क्राफ्ट है, इसमें लोग हैं? नहीं, ये एक रोबोटिक स्पेस क्राफ्ट है, इस बात का ख्याल रखना है। उड़ने के लिए ये किन चीज़ों की मदद लेगा, यानी कि वहाँ पर आप इसको सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाने हैं, तो इसको किसी की असिस्टेंस तो चाहिए। जितने भी प्लैनेट हैं ये सन की ग्रेविटी की मदद से अपने अपने ऑर्बिट में रेवोल्यूशन कर रहे हैं सन के अराउंड। सूर्य के इर्द गिर्द घूमने के लिए हमारी एक मार्ग होता है, एक पथ होता है, उसे ऑर्बिट कहते हैं। उसी ऑर्बिट पे सारे ग्रह घूमते रहते हैं। अब ये कैसे घूमेगा, इसको किसी का असिस्ट चाहिए, और असिस्टेंस इसे प्रोवाइड करेगा सन से सेकेंड प्लैनेट, दैट इज़ वीनस। तो ये वीनस की ग्रेविटी से असिस्ट लेकर के फ्लाई बायज करेगा, यानी कि मान लीजिए ये सन है, अगर मैं एक छोटा सा सन यहाँ पर ये सन बनाऊँ, तो इसके अराउंड ये मरकुरी, वीनस, अर्थ इस तरह से ऑर्बिट है। तो वीनस जो है इसकी ग्रेविटी का असिस्ट लेकर के, इसकी ग्रेविटी के दम पर ये हमारा जो पार्कर सोलर प्रोब है ये इस तरह से जाना चाहेगा सन के क्लोज। तो ये कई मैनोवरिंग करके, सक्सेसिव मैनोवरिंग के थ्रू सबसे क्लोजेस्ट पहुंचेगा। तो ये कई बारी मैनोवरिंग करते हुए उसके पास पहुंचने की कोशिश करेगा। तो ये कुल 7 साल के अंदर, 2018 में लॉन्च हुआ है, 7 साल के अंदर ये 7 फ्लाईबाइज लेगा, 7 फ्लाईबाइज, फ्लाईबाइज विद द ग्रेविटी असिस्ट ऑफ द वीनस। और ये हर बार सन के क्लोज 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 आने के प्रयास करेगा। जब लास्ट टाइम ये सबसे क्लोजेस्ट आएगा सन के, वो डिस्टेंस होगा 62 लाख किलोमीटर, या फिर 6.2 मिलियन किलोमीटर। आपको ध्यान रहे अर्थ सन से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है, और ये 6.2 मिलियन किलोमीटर तक जाएगा। आइडिया लग रहा है आपको, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो ये वीनस से ग्रेविटी असिस्ट लेगा, इतनी बात क्लियर हो गई। इसके बाद इसे बनाया, डिज़ाइन किससे किया गया है, इट इज़ डिज़ाइंड एंड बिल्ड बाय द नासाज जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, जॉन हॉपकिन यूनिवर्सिटी के जो अप्लाइड फिजिक्स डिपार्टमेंट है, उन्होंने इसे डिज़ाइन किया है और उन्होंने ही इसे प्रिपेयर किया है। बाकी जानकारियाँ मैं लेक्चर के पहले भाग में दे चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट थी, और जो बाकी बची हुई हैं वो वहीं पर यहाँ पर देने जा रहा हूँ। ये किन चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया गया है, क्या क्या है समझेगा, ये भी लेक्चर के पहले भाग में बताया गया है, बट अब आप नोटिस कर लीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट डिज़ाइन टू स्टडी द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, कोरोनल प्लाज्मा, एनर्जेटिक पार्टिकल्स, सोलर विंड्स, ये सारी चीज़ें मैंने बताई भी हैं और अभी आपको बता भी दूंगा। क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ की, देखिए जब आप सन के बारे में बात करते हैं तो सन एक मैग्नेटिकली एक्टिव स्टार है, सन एक डायनेमिक स्टार है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स अर्थ को इम्पैक्ट करती हैं हर मायने में, चाहे वो सैटेलाइट्स हों, चाहे वो हमारे स्पेसशिप्स हों, जो भी प्रोसेस हम स्पेस वेदर को समझने के लिए करते हैं, या जो भी चीज़ें हम वहाँ पर ऑर्बिट में डालते हैं अर्थ के साथ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इस्टेब्लिश करने के लिए, उन सारी चीज़ों को मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इफेक्ट करती हैं, और उनका सोर्स सन है, तो इसे पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सेकंड एस्पेक्ट, सन्स एटमॉस्फेयर कॉन्स्टेंटली सेंड्स मैग्नेटाइज्ड मटेरियल आउटवर्ड, एनवलपिंग द सोलर सिस्टम फार बियॉन्ड द ऑर्बिट ऑफ प्लूटो। जब आप सन की बात करते हैं तो इसमें से जितना भी कोरोनल मास इजेक्शंस होता है, कोरोना से मटीरियल इजेक्ट होता है, जो सोलर फ्लेयर निकली थी वो तो सोलर फ्लेयर वहीं तक रहेगी ज्वाला, लेकिन उसकी आग का इम्पैक्ट बहुत दूर तक आता है, वो सोलर विंड होती है। वो सोलर विंड का इम्पैक्ट अगर आप देखना चाहें तो कहाँ तक है, पूरे के पूरे सन के अराउंड 8 प्लैनेट हैं, कई ड्वार्फ प्लैनेट हैं, तो प्लूटो ड्वार्फ प्लैनेट में काउंट होता है। वो पूरे के पूरे 9 ग्रहों तक ये सारा का सारा इम्पैक्ट इसका रहता है, तो कम्प्लीट सोलर सिस्टम में इसका इम्पैक्ट हमें नज़र आता है। इसके कुछ इंस्ट्रूमेंट्स की बात कर लें कि इसमें इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। इक्विपमेंट्स के वाइज अगर इसके वजन की बात करें, ये 1350 लोब का है, ये 9 फीट 10 इंचज़ लेंथ का है, ये लगभग 9 फुट और 10 इंच का है, 1310 लोब इसका वजन है। इसमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स लगे हैं, सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट्स जो इस पे लगा है दैट इज़ मैग्नेटोमीटर। मैग्नेटोमीटर की क्या खासियत है, वो क्या क्या स्टडी करता है, इट विल मेजर द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स, रेडियो एमिशंस एंड द शॉक वेव्स। ये रेडियो एमिशंस को स्टडी करेगा, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक
फील्ड को स्टडी करेगा और शॉक वेव्स को स्टडी करेगा। कई बार आपको इक्विपमेंट्स पे एमसीक्यूज बन जाते हैं और उसमें ए बी सी डी करके ये इक्विपमेंट्स पूछ ले जाते हैं। सेकेंड इक्विपमेंट नेचुरली ये किस प्रोसेस के थ्रू पावर्ड रहेगा, तो सोलर पैनल्स के थ्रू पावर्ड होगा, फोटोवोल्टेक सेल टेक्नोलॉजी उसमें वर्क करेगी। और अल्टीमेटली जब ये सन के इतनी क्लोज पहुँचेगा तो इस पर 21,390 डिग्री सेल्सियस का इम्पैक्ट आएगा। 21,390 डिग्री सेल्सियस के इम्पैक्ट में तो ये ख़त्म हो सकता है। ऐसे में इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक ख़ास तरह की शेप दी गई है, मतलब इसे हमने इस तरह से फ्रंट से ब्रॉड रखा है, पीछे की तरफ ये नैरो डाउन होता है, तो ये पिरामिडल शेप में है। और जो फ्रंट है इसका, उसके ऊपर थर्मल प्रोटेक्शन शीट TPS लगा हुआ है। वो थर्मल प्रोटेक्शन शीट एक वाइट कलर की सेरामिक शीट है और वो बहुत ही रिफाइंड मटेरियल कार्बन कॉम्पोजिट ब्लॉक्स के थ्रू बनाई गई है, जो 21 से 22,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर को सहन कर सकता है। इसीलिए इसको इतने साल भी लग गए बनाने में। लेकिन उसकी खासियत यह है कि वो ऑल द टाइम इस पार्कर सोलर मिशन के सारे इक्विपमेंट्स को अपनी शेडो में ही रखेगा, मतलब हर वक्त वो पर्टिकुलर जो शीट है वही सन को फेस करेगी, जैसे एक कॉमेट होता है, और उस शीट के पीछे सारा मटेरियल इस तरह से रहेगा। ऑल द टाइम शीट ही फेस करेगी और बाकी सारी इक्विपमेंट शीट के पीछे छुपे रहेंगे। तो जितने भी इक्विपमेंट हैं उनका टेम्परेचर रूम टेम्परेचर रहेगा, दैट इज़ 29 डिग्री सेल्सियस। तो सारे इक्विपमेंट सन से सिर्फ 62 लाख किलोमीटर की दूरी पर भी 29 डिग्री सेल्सियस में रहेंगे, जबकि आप अंदाज़ा लगाइए कि गर्मियों के दिनों में अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस चला जाता है। ये खासियत हमने तभी अचीव कर पाई क्योंकि हमने सिरामिक शीट कार्बन कॉम्पोजिट ब्लॉक्स से प्रिपेयर की, जो कि बहुत बड़े लेवल पर थर्मल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो ये TPS एक इसका यूनिक सिस्टम है। ऐसे में आपके जो सोलर पैनल है वो ओपन नहीं रह सकते, वो बर्न हो जाएंगे, तो इसके ऑटोमेटिकली सोलर पैनल रिट्रैक्ट कर जाएंगे। और एक हल्का सा एंटीना पॉइंटर रहेगा जो इसको सोलर एनर्जी देगा, क्योंकि इतनी क्लोज होंगे आप सन के कि उतनी एनर्जी भी आपको चलाए रखने के लिए पर्याप्त है। आई बात समझ में? तो उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। द थर्मल शील्ड प्रोटेक्ट द इंस्ट्रूमेंट्स, ये 8 फीट डायामीटर में होगी और 4.5 इंच थिक होगी, कार्बन कॉम्पोजिट मटेरियल से ये बनेगी। टू मेंटेन द 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, ओरिजिनल टेम्परेचर विल बी अराउंड 21,370 डिग्री सेल्सियस, कहीं कहीं पर इसको 16,000 लिखा है, कहीं पर 22,000, ये मैक्सिमम करेक्ट आस्पेक्ट है जो मैंने आपको टेम्परेचर बताया है। इसके अलावा इस पे डिटेक्टर्स लगे होंगे इक्विपमेंट के तौर पर, जो दे विल गैदर द सोलर विंड पार्टिकल्स। तो सोलर विंड पार्टिकल्स क्या होते हैं वो अभी समझ आएगा। ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जो सबसे डेंजरस होते हैं आपके सैटेलाइट्स के इक्विपमेंट्स के लिए, यही सोलर विंड पार्टिकल्स जो होते हैं, दे आर कॉल्ड द हाई एनर्जी पार्टिकल्स। उसको डिटेक्ट करने के लिए इसके ऊपर डिटेक्टर लगे रहेंगे, हाई गेन एंटीना लगा होगा टू ट्रांसमिट डाटा वाया आर रेडियो सिग्नल। जितना भी डाटा कलेक्ट होगा सन से वो सारा का सारा रेडियो सिग्नल्स के थ्रू हाई गेन एंटीना अर्थ को भेजता रहेगा, यानी कि नासा सेंटर में भेजता रहेगा, और वहीं से वो सारी स्टडी कर रहे हैं, जिसके तहत 4 दिसंबर को जो नई स्टडी आई, पहली स्टडी आई मेन, उसी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना भी होगा जो मेजर करेगा रेडियो एमिशंस ऑफ द सन एंड सोलर विंड्स। सो देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंटीना, इट विल मेजर द रेडियो एमिशंस ऑफ द सन एंड द सोलर विंड्स। ये कुछ इक्विपमेंट्स हैं जो इसमें हमेशा लेस्ड रहेंगे। अब आती है इसने फाइंडिंग्स क्या क्या करके बताई हैं और क्या क्या आपके सामने रखा है, मैं वो आपके सामने रखता हूँ, मैं लिखवा भी दूंगा कि क्या क्या फाइंडिंग है, पहले मैं उन्हें एक्सप्लेन करता हूँ, फिर ही आप उन चीज़ों को समझ पाएंगे। देखिए ये मैंने आपके सामने लिखी हैं, ये 4 दिसंबर की नासा के पार्कर सोलर प्रोब की न्यू फाइंडिंग्स हैं। अब तक की जो उसकी फाइंडिंग्स आई हैं वो छापी हैं नासा ने, उसमें ये चीज़ें निकल के आई हैं मोटे तौर पर। सबसे पहला द डस्ट फ्री जोन, ये क्या है? देखिए ये बात तय है और ये साइंटिस्टों को क्लियर था आज दिन तक कि स्पेस में एक डस्ट जोन है, स्पेस में एक डस्ट है, इसे कॉस्मिक डस्ट कहते हैं। इसका प्रमाण यहाँ मिलता है कि आप अर्थ से भी इसे देख सकते हैं, और देखने का एक नमूना ये है कि लाइट यहाँ पे स्कैटर करती है। तो UPSC ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है और PCS में तो बहुत बार आते हैं कि हमें कॉस्मिक डस्ट का किस वजह से पता लगता है, लाइट की स्कैटरिंग से, स्कैटरिंग इफेक्ट होता है, इस वजह से पता लगता है, इस बात का ध्यान रखना, छोटी छोटी बातें। तो हमने क्या बड़ा अचीव कर लिया, हमें पहले दिन से पता था कि डस्ट फ्री जोन है। हमने अचीव ये किया है कि जैसे हमें आज दिन तक ये पता था कि एक ब्लैक होल है, वो थ्योरेटिकल नॉलेज के बेस पे आधारित था, लेकिन अभी अभी आप सबको पता है कि ब्लैक होल की फर्स्ट एवर इमेज रिलीज़ हुई। तो हमने जो अब तक थ्योरी के बेस पे जाना, उसे पहली बार हमने प्रैक्टिकल प्रमाण के बेस पे देखा। इसी तरह से डस्ट फ्री जोन है ये पता था,
लेकिन पहली बार सोलर प्रोब जो पार्कर ने की है ये इतनी क्लोज जाके की है कि अब हमें क्लियर कट एविडेंस मिल गया है कि डस्ट फ्री जोन है। जब आप सन के क्लोज जाते हैं तो 7 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस से ये सारे के सारे डस्ट लेयर थिन होने लगती है, और जब आप 2 to 3 मिलियन किलोमीटर के डिस्टेंस पे हो जाते हैं सन के पास, ये कंप्लीट ख़त्म हो जाती है। तो सन के अराउंड एक डस्ट फ्री जोन है जो कहाँ से शुरू होता है, सन के ठीक 2-3 किलोमीटर तक। ये मिलियन मिलियन लगा लिया करो यार, एक बार बता दिया, अब क्या इतनी टेंशन ले रहे हो। तो ये सन है ऑब्वियसली, 2-3 किलोमीटर तो पार कर ही नहीं जा पा रहा, मिलियन क्या जाएगा। तो ये है पर्टिकुलर सन के अराउंड का 2-3 मिलियन किलोमीटर का डस्ट फ्री जोन। इतनी बात क्लियर हुई। ये यहाँ से पतला होने शुरू हो जाता है 7 मिलियन किलोमीटर से, तो ये अब प्रमाणित है कि डस्ट फ्री जोन एक है, इसी की स्टडी की गई है। इसके अलावा एक बहुत ज़बरदस्त स्टडी और पता लगी है, सन के इमीडिएट अराउंड इसी डस्ट फ्री जोन रीजन में फाइन पार्टिकल्स मिले हैं। कैसे पता लगा? वो जो सोलर पार्कर प्रोब की वो जो वाइट सिरेमिक थिन शीट थी ना, 4.5 इंची मोटी, उसके ऊपर आपको जैसे कोई चीज़ें, जब आप लाइट जला करके बैठे हुए हैं रात के समय और लाइट गई है, कैमरे की लाइट जगाई मोबाइल की, तो आप देखें कुछ डस्ट पार्टिकल आपको ग्लिटर करते नज़र आएंगे, चमकते। इस तरह से उसकी शीट पर कुछ चमकीली चीज़ें चिपकी हैं आ करके। साइंटिस्ट ये मान रहे हैं कि वो एक तरह के डस्ट पार्टिकल्स हैं, बट इतने नहीं है कि वो लेयर बना पाए, वो फ्रीली स्कैटर्ड फाइन डस्ट पार्टिकल है। कैसे बने? किसी ज़माने में जब यहाँ पर एस्टेरॉयड गुजरे होंगे या जहाँ से जो कॉमेट्स गुजरे होंगे, सन की इंटेंस हीट ने उन्हें वेपराइज ही कर दिया एज इट इज़, तो वो डस्ट पार्टिकल कहीं ना कहीं रह गए हैं वहाँ पर। तो ये भी एक फाइंडिंग मिली है। इसके अलावा अब आती है बात कि ये डस्ट फ्री जोन क्यों बना है। डस्ट फ्री जोन इसलिए बना है कि यहाँ पर सन का टेम्परेचर इतना हाई है कि यहाँ पर जो डस्ट है वो वेपराइज हो जाती है। ऐसी भी कंडीशन होती हैं जब आप सॉलिड मटेरियल को डायरेक्टली गैशियस मटेरियल में बदल सकते हैं। आपने ये स्टेट ऑफ मैटर की कहानियाँ पढ़ी भी होंगी। और अगर मैं आपको एक रोचक तथ्य बताऊँ तो कहानी ये है कि अगर आप महाराष्ट्र जाते हैं, महाराष्ट्र में अगर आप मुंबई जाते हैं, वहाँ से लगभग 200 मील नॉर्थ वेस्ट की दिशा में आपको आपको एलोरा की केव्स नज़र आएंगी, और वहीं पर आपको मिलेगा कैलासा मंदिर, कैलासा टेंपल। कैलासा टेंपल की अगर हम बात करें, कैलाश टेंपल मैं कहता हूँ, इसकी खासियत क्या है? ये जब बनाया गया तो एक सिंगल रॉक से कार्व आउट किया गया है, और इसके बारे में बहुत सी थ्योरीज़ हैं। ऐसा कहा जाता है कि 18 साल में बनाया गया है, लेकिन जब इसे बनाया गया है तो ये कहा जाता है कि 4 लाख टन मलबा निकला, लेकिन दूर दूर तक कहीं आसपास 4 लाख टन मलबा नहीं था, कहीं नहीं मिलता आज भी। और अगर हम 18 साल की बात करें तो ये पॉसिबल नहीं है। आज की लेटेस्ट मशीन के द्वारा भी अगर हम 24 घंटे वर्क कर रहे हैं तो फिर उस समय में कैसे हुआ? तो एक थ्योरी ये कहती है कि ये शायद ऐसा हो सकता है, ये एक थ्योरिस्ट हैं, वो कहते हैं कि वेदों में एक भामास्त्र का जिक्र है। भामास्त्र एक खास अस्त्र था जो किसी भी रॉक को जब काटता था वो उसे काटते ही वेपराइज कर देता था, ख़त्म कर देता था। जैसे वो एक तरह का इनसीजन इक्विपमेंट है, तो उसने इनसीजन के थ्रू काट दिया कैलाश, इसलिए सारी की सारी रॉक वेपराइज हो गई। ये एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है, आई बात समझ में? तो इस वेदों के समय से ऐसी कहानियाँ हैं कि रॉक्स वेपराइज हो जाती हैं, और इसमें कोई अचंबा नहीं है कि आज की डेट में हम ये कह रहे हैं कि डस्ट फ्री जोन में जो डस्ट पार्टिकल्स थे वो सन के इंटेंस हीट की वजह से वेपराइज हो गए। ये इट इज़ पॉसिबल, ये हो गया। क्लियर है जी एस्पेक्ट? अब इसी को अगर मैं इंग्लिश में कह दूँ तो अगर आपको लिखना हो तो डस्ट फ्री जोन जो है हमें नोटिस नहीं हुआ, उसके बारे में क्या लिखा गया है? अर्लियर इट वॉज थ्योरी, नाउ इट इज़ कन्फर्म्ड। एट द डिस्टेंस ऑफ 7 मिलियन माइल कॉस्मिक डस्ट स्टार्टेड गेटिंग थिन, एंड एट द डिस्टेंस ऑफ 2 to 3 million miles नो डस्ट इज देयर। ओके, सो सन according to some theories, the sun heat somewhere vaporizes this dust, and this material scattered in the space, this is very important, this material scattered in the space with solar wind. यही material जब vaporize हो गया, तो vaporize होके कहीं तो गया होगा ना, vaporized aspect यहाँ से अगर water vapor हुआ है तो ये ultimately ऊपर की तरफ गया है, वहाँ से condense होके rainfall हुआ है, क्योंकि cloud बना ना, कहीं तो कुछ होगा। तो वो जो vaporize हो गया sun से, वो जो solar flares निकलती थी ना ज्वालाएँ, और उनकी एक जो पर्टिकुलर ऊर्जा आगे की तरफ बढ़ जाती थी, वो सोलर विंड के साथ बह करके ये वेपराइज मटेरियल पूरे स्पेस में फैल गया। आई बात समझ में? दूसरा है स्विच ब्रेक्स, स्विच बैक्स। ये बहुत ज़बरदस्त फेनोमेना है स्विच बैक्स, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी था साइंटिस्ट के लिए। क्यों, क्या है ये? देखिए, अगर मैं सन की बात करता हूँ तो सन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं,
जैसे सपोज कीजिए ये सन है, तो सन में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और ये ग्रुप्स में होती है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरह से आती हैं। हम ये आज दिन तक मानते थे कि ये स्ट्रेट आती हैं, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आती हैं, लेकिन सोलर प्रोब ने कुछ और ही देखा पार कर ने। उसने क्या देखा? उसने देखा जैसे आज आप अगर कोई भी मैग्नेट देखें, उसके दो पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल। मैग्नेट अपनी इसी क्वालिटी की वजह से अट्रैक्ट भी करता है, रिपेल भी करता है। अगर मैं एक मैग्नेट बार बनाऊं और उस बार में अगर मैं नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज रखूं, तो अगर आप सेकंड मैग्नेट बार के पॉजिटिव के पास लाते हैं तो वो उसे रिपेल करता है, नेगेटिव के पास लाते हैं तो अट्रैक्ट। वो बचपन में मैडम वो फीते से टांग करके एक्सपेरिमेंट करती थी ना, आपको बताती थी। मुद्दे की बात ये है कि इसमें अब एक यूनिक चीज़ आती है। ऐसा लगता है कि जैसे इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन के पोल्स रिवर्स होते हैं, एक पॉइंट पे पोल्स रिवर्स होते हैं, स्विच बैक होता है। क्या होता है? ये स्ट्रेट लाइन में जाते जाते एकदम से एक पॉइंट के पास जा करके 180 डिग्री पे रिवर्स आती है, 180 डिग्री पे रिवर्स आती हैं और फिर आगे बढ़ जाती हैं। ये सारा क्लियर हुआ? डिग्री पर रिवर्स आई और फिर चली गई आगे। इसे स्विच बैक फिनोमिना कहा गया है। आई बात समझ में? इसे विप लाइक मोशन कहा गया है। विप लाइक मोशन, इट इज़ अ विप लाइक मोशन। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आज की डेट में जिम में रस्सी पकड़ के एक्सरसाइज करते हैं। आप रस्सियों को ऐसे ऐसे उछलाते हैं तो वो रस्सी एक डिस्टेंस पे जा करके वो ऐसे पूरा विप लाइक मोशन करती है। तो ये भी विप लाइक मोशन देखा गया, पहले ये पता नहीं था। इसकी बहुत प्रोमिनेंस है। क्या पता लगा हमें इसके विप लाइक मोशन से? हमें ये पता लगा कि जब हम मरकुरी की बात कर रहे थे तो मरकुरी सन से सबसे क्लोज है। मरकुरी के ऑर्बिट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर कुछ है, मरकुरी के ऑर्बिट के बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बिहेवियर बिल्कुल अलग है। तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने मरकुरी के अंदर अपने आप को 180 डिग्री या उससे ज़्यादा पे भी एक बार टर्न बैक किया, स्विच बैक किया और फिर आगे की तरफ बढ़ी हैं। इससे ये पता लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है। मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर इम्पैक्ट हुई है तो कोई ना कोई एटमॉस्फेयर का वहाँ पर फिनोमेना रहा है। तो हम मैग्नेटिक फील्ड के स्विच बैक से सन के एटमॉस्फेयर को बेटर समझ पाएंगे। सन के एटमॉस्फेयर को अगर हम समझ पाए तो हम सन के ओरिजिन को भी समझ पाएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड से सन का एटमॉस्फेयर क्लियर होता है, मैग्नेटिक फील्ड से ही हमें सन के ओरिजिन के बारे में बेटर पता लगेगा। अगर हम इसे बेटर समझ पाएँ तो सन अब तक का हमारे सबसे क्लोजेस्ट स्टार है, तो हम बाकी स्टार्स को भी समझ और पढ़ पाएंगे। और अगर एक बार ये मुकम्मल हुआ तो हम स्पेस वेदर को अच्छा समझ पाएंगे। और अगर ये हुआ तो चाहे हम मंगल पे जा रहे हैं जीवन ढूंढने, चाहे हम चंद्रमा पे जा रहे हैं पानी ढूंढने, हम बेटर वॉयेजेस कर पाएंगे उन प्लैनेट्स की तरफ, क्योंकि हमें पता होगा स्पेस वेदर कैसे बिहेव करता है, क्योंकि हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की मूवमेंट अब क्लियर है। क्यों? क्योंकि जब ये सीधी जा रही थी तो कोई इशू नहीं था, लेकिन अब ये बिल्कुल ऐसा है कि जब ये जा रही है और एक बार जब वापस आई है, वापस आने पर वो जो सन के फोटोस्फेयर से सोलर फ्लेयर्स निकली थी, ज्वार ऊर्जाएं, ज्वाला, वो इस तरह से निकली थी। ये सन का फोटोस्फेयर है तो वहाँ से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स निकल रही है ना, वो इस तरह से निकली थी ना, रबर बैंड की तरह हमने स्ट्रेच किया। एक पॉइंट तक जब ये जाएंगी तो यहाँ पर ये रीजन कट के आगे निकल जाएगा ऐसे पानी की बूंद की तरह बन के, बाकी का रीजन पीछे सर्कुलर ही रह जाएगा, तो क्लंप हो जाएगा ना ये। तो ऐसा माना जाता है कि सोलर विंड्स के अंदर, सोलर विंड्स एक तरह से क्या है, गैस प्लाज्मा। तो सोलर विंड के अंदर जो हाई एनर्जेटिक क्लम्प्स हैं, प्लाज्मिक क्लम्प्स, ये उसके साथ सिंक हो जाती हैं। जब ये स्विच बैक करती हैं तो अब इसकी पकड़ में वो क्लम्प्स भी आ गए, तो ये उन क्लम्प्स को जब वापस अपनी पोजीशन अचीव करती है तो थ्रस्ट देती है, तो उसको थ्रस्ट देती है। जब ये वापस आई तो इसके उस रीजन में अब सोलर क्लम्प्स आए, तो जब ये वापस जाएगी अपनी ओरिजिनल पोजीशन में उनको थ्रस्ट करेगी। तो ऐसा माना जाता है कि सोलर विंड के अंदर जो एनर्जेटिक पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम गैस प्लाज्मा क्लम्प्स कहते हैं, उनको ज़्यादा थ्रस्ट और उनकी रफ्तार बढ़ाने के लिए ज़िम्मेदार हैं ये विप लाइक मोशन। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से रॉज रिस्पॉन्सिबल। तो आप देखिए वह सोलर विंड का कितना इम्पैक्ट है धरती पे, सारा का सारा ऑरोरा बोरियालिस और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस, लेक्चर के पहले भाग में समझाया, नॉर्थ और साउथ में जो सारा बन रहा है वो हमें यहीं से तो दिख रहा है, नथिंग एल्स। वो किसकी वजह से दिख रहा है? क्योंकि सोलर विंड इंटरेक्ट कर रही है किसके साथ? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड के साथ, इसलिए वो बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस बन रहा है, ऑरोरा।
तो कुल मिलाकर के वो जो अजीब सी रोशनियाँ हमें उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पे दिखती हैं, नॉर्थ और साउथ पोल पे, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, जो रंग बदलती रहती हैं, तो ये विप लाइक मोशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टडी करने के लिए कि सोलर विंड का क्या इम्पैक्ट हो सकता है, उसकी क्या इंटेंसिटी है, किस तरह का काम हो रहा है, और ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हैं, वो अभी आपको पता लगेगा, अभी क्लियर होगा जब मैं तीसरी चीज़ पढ़ाऊंगा। ये पता लगा स्विच बैक्स क्या है? तो स्विच बैक्स के बारे में यही पता लगा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वी थॉट दे आर एमिनेटिंग स्ट्रेट, बट नाउ वी कम टू नो दैट इनसाइड द ऑर्बिट ऑफ मर्करी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आफ्टर एमिनेटिंग फ्रॉम द सन स्लैंटेड शोइंग स्लैंटेड बिहेवियर एज अ विप लाइक मोशन विद इन अ सेकेंड and there is a 180 degree turn, it is called a chabuk like movement, you can call it, it is in group with all magnetic field lines, sari magnetic field lines group mein kaam kar rahi hai na, so it is in group, okay, magnetic field lines are behaving like this in a group and they are synchronous with the fast moving particles of solar wind, so it accelerates solar winds, they are synchronous with the fast moving particles of the solar winds, so it accelerates solar winds, to ye solar winds ko accelerate karti hain, aur scientists ka is baar पार्कर सोलर प्रोब ले जाने का एक कारण यह भी था कि वो ये जानना चाहते थे कि सोलर विंड को एक्सेलरेट डीसेलरेट कौन सी चीज़ें करती हैं, और वो काफ़ी हद तक इसमें सफलता प्राप्त कर पाए हैं जब उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के विप लाइक मोशन को देखा है, तो सोलर विंड के एक्सेलरेशन का पता चलेगा, और सोलर विंड अगर एक्सेलरेट होती है तो सीधा इम्पैक्ट है अर्थ के एटमोसफेयर पर और स्पेस वेदर पर, तो ये दोनों चीज़ों को हम बेटर प्रिडिक्ट और प्लान कर पाएंगे। इतनी बात क्लियर? अगला फिलोमेना जो पाया गया है दैट इज़ टर्बुलेंस। हमारे सामने अब तक ये क्लियर नहीं था कि जो सोलर विंड हैं ये एक लाइन में आती हैं कंटिन्यूअस या ये डिस्क्रीट मैनर में आती हैं, मतलब ये सीधा फ्लो करती हैं या फिर ये जैसे पिचकारी चलाते हैं उस तरह से फ्लो करती हैं। ये दोनों जानकारियाँ बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में आती हैं या फिर ये पैचेज में आती हैं, जिसे हम डिस्क्रीट प्रोसेस कहते हैं, लेकिन अब हमें क्लियर हुआ है ना ये कंटिन्यूअस है और ना ये पैचेज में है, इनका कोई एक स्पेसिफिक मूवमेंट नहीं है, ये अनसर्टेन है, देयर मूवमेंट इज़ हाईली अनसर्टेन, तो ये फिक्स्ड नहीं है, ना तो ये अल्टीमेटली पैचेज में आ रही हैं ना ही एक कॉन्टिन्यूस एस्पेक्ट में आ रही हैं, ये बहुत ही टर्बुलेंट मूव शो करती हैं, दे आर वेरी वेरी अनसर्टेन, कभी ये बढ़ रही हैं कभी ये घट रही हैं, एक ही बार में बड़ी घटी भी आ रही है, तो ये अनसर्टेनिटी हमें शो हुई है इनकी मूवमेंट के बारे में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हमें ये क्लियर हो गया है कि अब ये मूवमेंट एक अनसर्टेन मूवमेंट है, तो इसके बारे में अब हम पता लगाना चाहेंगे कैसी अनसर्टेनिटीज़ हैं, क्यों किसकी वजह से वो अनसर्टेनिटीज़ हैं, तो वो क्लियर हो जाएगा, और ये कैसे हो रहा है, अनसर्टेनिटीज़ कैसे आ रही हैं, क्यों हो रहा है, अब यहाँ पर जस्टिफाई करते हैं। जब हमने ये सन का फोटोस्फेयर देखा था, तो सन के फोटोस्फेयर को जब हमने ऑब्जर्व किया तो हमने ये देखा कि सन के अंदर से ये जितना भी उसके अंदर जो हीट है इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मा दैट इज़ आयोनाइज्ड गैस, वो बाहर आई और वो प्लाज्मा आयोनाइज्ड है तो उसमें पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन्स है और इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड ही है एक तरह की, तो वो जब बाहर आई है तो एक रीजन तो क्लंप बन के कट के आगे चला गया स्पेस में, लेकिन बाकी फॉल बैक होगा अर्थ पे, सॉरी सन पे, क्योंकि सन की अपनी ग्रेविटी भी है। तो हमने ये देखा कि जब वो बाकी का सोलर फ्लेयर का रेजिडुअल मटेरियल, जैसे ज्वाला उठा है धरती पे ही नोटिस करो, ज्वाला उठा है तो उसकी आग राख तो चली गई चलो, लेकिन उसका मटेरियल तो बाकी गिरा है आकर के, तो हमने देखा जब वो सोलर फ्लेयर उड़ने के बाद गिरी है, जहाँ पर वो गिरी है अब, तो वहाँ पर गिरने के बाद उसने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द फोटोस्फेयर को डिसिपेट किया है, जहाँ पर वो गिरी है उसने वहाँ पर उसको डिसिपेट किया है, और जब वो डिसिपेट हुई है तो ये विप लाइक मोशन बना है, ये आगे को जा रही थी ना, ये वापस को आई ना, स्विच बैक हुआ, क्यों हुआ, क्योंकि सोलर फ्लेयर का जो हिस्सा वापस गिरा है उसने मैग्नेटिक फील्ड लाइन को उस पॉइंट पे डिसिपेट कर दिया, और जैसे ही उसने उसको डिसिपेट किया तो अल्टीमेटली ये विप लाइक मोशन बना, और ये विप लाइक मोशन है जो सोलर विंड के हाई एनर्जी पार्टिकल्स को एक्सेलरेट कर रहा है। तो आप देख सकते हैं अनसर्टेन मूवमेंट ऑफ द सोलर विंड कितना जरूरी था, टर्बुलेंस, तो जितनी ज़्यादा टर्बुलेंसेज रहेंगी, मतलब सोलर फ्लेयर्स जितनी ज़्यादा टर्बुलेंट रहेंगी, जितनी ज़्यादा गिरेंगी उतनी सोलर विंड टर्बुलेंट है, और जितनी ज़्यादा सोलर विंड टर्बुलेंट हो रही है उतना ही ज़्यादा विप लाइक मोशंस टर्बुलेंट है, और वही विप लाइक मोशन रिस्पॉन्सिबल है सोलर विंड के एक्सेलरेशन डिसेलरेशन के लिए। तो ये सारा का सारा सन का एस्पेक्ट आपस में अटैच्ड है, ये बात समझ में आई, ये क्लियर हुई? तो कुल मिलाकर के जहाँ पर, क्योंकि अगर सिंपल भाषा में
मैं एक अगर यहाँ पर सन बनाऊँ, आपको ये लगे कि कैसे डिसिपेट कैसे हो गया, तो इसको सिंपल समझो कि जब सन के इंटीरियर स्ट्रक्चर से हीट बाहर की तरफ आ रही है तो वो किस तरह से आ रही है, वो बिल्कुल ऐसे आ रही है, सिंपल एस्पेक्ट है, जैसे आपने चाय का पतीला चढ़ा रखा है, उसको कन्वेक्शन है ना भाई। कन्वेक्शन क्या होता है कि एक पार्टिकल अपनी ऊपर जो ऊष्मा धारण किए है, एनर्जी धारण किए है, वो पार्टिकल खुद ही जाके दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दे रहा है कि ले ले, है ना। जैसे मैं बॉल खुद ही लास्ट प्लेयर को दे रहा हूँ ना, तो इसमें क्या हो रहा है कि अर्थ के वो जो पतीला है पानी का, उसके बॉटम पे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, पार्टिकल्स हैं, वो सबसे पहले हीट रिसीव करेंगे, तो वो खुद ही ऊपर की तरफ आ रहे हैं ना, और ऊपर की तरफ आकर के एटमॉस्फेयर को हीट दे के ठंडे होके फिर वापस गिर रहे हैं नीचे पतीले में। तो चाय जो तो रिज दिया, जब चाय जो उबल रही है तो कैसे उबल रही है, सेंटर से बाहर की तरफ आ रहा है ना, तो एक वर्ल बन रहा है ना, ये साइकिल होता है ना। अर्थ के लिथोस्फेयर के अंदर भी ऐसे ही कन्वेक्टिव सेल बन रहे हैं, इससे हमारे कॉन्टिनेंट्स मूव करते हैं, और हर साल इंडिया जो है, इंडियन प्लेट 5 सेंटीमीटर नॉर्थवर्ड मूव कर रही है, इसलिए हर साल हिमालय 5 सेंटीमीटर ऊंचा हो रहा है, इसलिए नदियाँ अपनी खाइयाँ और गहरी कर रही हैं, इसे कह रहे हैं यूथफुल रिवर्स। आई बात समझ में? तो ये ऐसे चाय का पतीला, अब आओ शादी का पतीला, शादी के दिनों में बड़ा पतीला, उसमें आग जगाओ, देखना पतीला क्या हो क्या रहा है मटेरियल, तो कुछ नहीं, अगर जांचना है तो उसको जांचने के लिए बस हल्की सी इंक या हल्दी डाल देना, हल्की सी इंक, तो देखना हल्दी का मूवमेंट किधर से किधर को वो मूव कर रही है, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऐसे में अगर नीचे से आग और जला दें तो वो सेंटर से और उबाला बाहर को आए, एक समय में ऐसा आ जाएगा कि उसके कुछ छींटे उड़ के आपके शरीर पे भी पड़ने लगेंगे, वो इतना उबलेगा, तो मतलब वो जो उसका पूरा माउथ था ना पतीले का, वो सन का वो समझ लो फोटोस्फेयर, मतलब इतनी आग है कि फोटोस्फेयर की लिमिट कोई क्रॉस कर गया, जल जला फूट रहा है। तो एक समय के बाद उसके ऊपर आप खड़े हो तो स्टीम की एनर्जी से आग भी जल सकती है, लेकिन आग नहीं छू, आपको पानी नहीं छुआ सीधा, पानी तो उछल के फिर गिर गया, लेकिन उसकी आग आपकी आँख तक आ गई, वो सोलर विंड है। जो पानी वापस पतीले में गिर गया वो सोलर फ्लेयर है, ज्वाला। आई बात समझ में? तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो पानी ऊपर तक उछला था, वो पानी जहाँ गिरेगा वहाँ ठंडा इलाका होगा ना, एज कम्पेयर साइमल्टेनियसली जहाँ से पानी उछल रहा है ना। और मैंने बताया कि सन क्या है, ये गैस है। गैस कौन सी है? यहाँ पे जैसा एटमॉस्फेयर है ऐसा नहीं है, ये आयनाइज्ड एटमॉस्फेयर है, मतलब ये प्लाज्मा है, एक न्यूट्रल गैस है जो हमारे सराउंड है, ये आयनाइज्ड गैस है। तो ऐसे में वैसे ही जलजले सन पे हर जगह पे हो रहे हैं, लेकिन जहाँ से एक जलजला हो करके उठा है और उसका रेजिडुअल मटेरियल आके गिरा है, तो वहाँ पर तो वो प्लाज्मा ठंडा है, क्योंकि गैस सारी हीट तो दे आई, एनर्जी दे आई, अब ठंडी होके गिरी है। तो प्लाज्मा ही जब ठंडा है तो उसमें मैग्नेटिक चार्ज भी उतना ही कम होगा, तो मैग्नेटिक एनर्जी वहाँ पर फिर कम होगी ना, एज कम्पेयर टू साइड वाइज एरियाज, उसके बगल के एरियाज, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डिसिपेट हो जाना। यही सन स्पॉट है, यही सन स्पॉट है। आई बात समझ में? ये क्लियर हुआ फिनोमेना? क्योंकि बाकी के तो जल रहे हैं ना अभी भी, वो ज़्यादा ल्यूमिनेंस में है ना, वो ज़्यादा प्लाज्मा हीट है ना, वहाँ पे आयोनाइज्ड वर्जन ज़्यादा है, क्योंकि उन्होंने अभी एनर्जी अपनी डिसिपेट नहीं की है, तो वो ज़्यादा मैग्नेटिक हुए एज कम्पेयर टू जहाँ पे रेजिडुअल गिर रहा है, तो इसको मैग्नेटिक फील्ड डिसिपेशन कहते हैं। और इसीलिए जैसे ही वहाँ डिसिपेशन हुई तो विप लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, तो जैसे ही विप लाइक स्ट्रक्चर हुआ तो वापस से फिर गेन हुआ वापस से, क्योंकि वही स्पॉट एकदम से फिर से वही पानी गिर के गर्म होकर फिर तो जलजला वापस आ रहा है, फिर से री एनर्जाइजेशन हुआ, तो फिर से फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। और जैसे ही फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है, इन बिटवीन जो सोलर विंड क्लंप्स आए थे, जो वो गैसेज आयोनाइज्ड गैसेज आ चुकी हैं इसकी चपेट में, उनको पकड़ के आगे ले जाएगा, एक्सेलरेट कर देगा। इस तरह से ये सारी एक्टिविटी सन की जुड़ी है, ये अब पता चल रहा है, ये पहले पता नहीं चला था, ये पार्कर सोलर प्रोब ने बताया है। आई बात समझ में? और अगला है द ब्रेकिंग पॉइंट। ये ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? इसको ट्रांजिशन जोन भी कहते हैं, ऐसे लिख लो पेपर में, ट्रांजिशन जोन भी आ सकता है। अब क्या होता था कि जैसे मान लीजिए कि सपोज कीजिए अर्थ है, है ना, जैसे अर्थ रोटेट करती है ना, ऐसे सन भी रोटेट करता है। अर्थ फास्ट रोटेट कर रही है, सन स्लो रोटेट कर रहा है, पर रोटेशन तो पृथ्वी में पूरे ब्रह्मांड में कुछ नहीं है, केवल रोटेशन है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपकी अर्थ के कोर में जो कोर है उसके दो रीजन है, आउटर कोर इनर कोर, और उन रीजन्स में इनर कोर के अराउंड आउटर कोर भी मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है इनर कोर भी। यही कारण है कि अर्थ का मैग्नेटिक पोल मूव करते हैं। अर्थ के मैग्नेटिक पोल मूव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कोर के अराउंड भी मटेरियल मूव कर रहा है। कोर बना है निफे, निकल फेरस, मूवमेंट हो रही है पृथ्वी में, ब्रह्मांड में सब मूव कर रहा है बस, और मूव भी सब चक्र में कर रहा है, सब रोटेशन है, नथिंग एल्स। पूरी की पूरी गैलेक्सी भी रोटेट कर रही है, आपको पता है, पूरी गैलेक्सी रोटेट कर रही है,
और पूरा का पूरा यूनिवर्स भी रोटेट कर रहा है, सब घूम रहा है, क्योंकि ब्रह्मांड बना ही ऐसे घूम के बना, सब टकरा के घूमने लगा। ओके, ऐसे में अब जब सन रोटेट कर रहा है, इस रोटेट करते हुए सन के फोटोस्फेयर से निकलती है ज्वाला, सोलर फ्लेयर, जिसका जिसका एनर्जी वाला अंश आप तक आता है तो हम कहते हैं सोलर विंड। तो ऐसा माना जाता है कि जब अर्थ सन रोटेट कर रहा है तो ये जो सोलर फ्लेयर और ये जो ज्वाला है ये भी रोटेट करती हुई आनी चाहिए, जैसे दिवाली पे चक्री चलाते हैं अपन, कहते हैं ये भी घूमती हुई आनी चाहिए सुदर्शन की तरह। लेकिन अब तक हमारी ये थ्योरी करेक्ट नहीं थी, हमें था कि सोलर विंड स्ट्रेट लाइन में ही आती है क्योंकि हमने स्ट्रेट लाइन में ऑब्जर्व की है। लेकिन अब ये प्रमाणित हो गया है कि मरकुरी के अंदर, मरकुरी के ऑर्बिट के अंदर ये वर्ल मोशन में ही होती हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी पर जा करके ये स्ट्रेट लाइन हो जाती है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे टेंजेंट बनाना है ना आपने, जैसे लंगर घुमा रहे हो ना रस्सी बांध के पत्थर, और एक पॉइंट पे एक पॉइंट से छूट जाता है ना तो वो स्ट्रेट लाइन में जाता है ना, फिर वो टेंजेंट बनती है ना सर्कल से, ऐसे टेंजेंट्स ड्रॉ करते हो ना आप, तो ये बिल्कुल ऐसे ही होता है प्रोसेस। तो एक पॉइंट तक चक्री है, लेकिन उसके बाद जैसे दिवाली की चक्री के आगे फैल जाती है ना स्ट्रेट लाइन में, ये भी फैल जाती है, फिर हमें प्रतीत तो होता है स्ट्रेट आ रही है। तो हमने अब ये पता लगाया है कि इसका एक ब्रेकिंग पॉइंट है, वो है ट्रांजिशन पॉइंट, जहाँ से ये वर्ल मोशन से स्ट्रेट लाइन में आती है। ये हमें पता, ये हमें सन की रोटेशन के बारे में अब बेहतर जानकारी देगा। और जब सन की रोटेशन के बारे में बेहतर जानकारी मिल गई तो सन के अंदर मटेरियल कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, मास कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका पता लगेगा। हमें पता लगेगा कि कितनी दूरी तक ये रोटेशन में है, वर्ल में है, उसके बाद क्यों स्ट्रेट होती है, तो ट्रांजिशन जोन क्या है, क्यों उसी जोन में ट्रांजिशन होती है, कोई एटमॉस्फेयर में चेंज आ रहा है सन के, या टेम्परेचर में वेरिएशन है, प्रेशर में वेरिएशन है, डेंसिटी में वेरिएशन है। ये अगर हम पढ़ पाए तो दूसरे सितारों को, तारों को पढ़ने में मदद बहुत मिलेगी, तो इससे भी हम इस चीज़ का पता लगा पाएंगे। आई बात समझ में? तो इसको ट्रांजिशन जोन और ब्रेकिंग पॉइंट कहा गया है। इसके बाद आते हैं स्मॉल पार्टिकल्स इवेंट। अब तक हमें ये तो पता था, अभी जो सारे बता रहा हूँ सोलर फ्लेयर्स, अब तक हमें ये पता था कि सन में बड़े बड़े एक्सप्लोजन तो होते रहते हैं, आम बात थी, ये हमें थ्योरेटिकली पता था। लेकिन पहली बार हमने देखा कि बड़े एक्सप्लोजन होते हैं, लेकिन वो एक्सप्लोजन जो आपको अर्थ से कभी ऑब्जर्व हो ही नहीं सकते थे, वो पार्कर सोलर प्रोब ने ऑब्जर्व कर लिया, क्योंकि पार्कर सोलर प्रोब अभी पहुंचेगा वहां पर 6.2 मिलियन किलोमीटर के पास पहुंचेगा, लेकिन पार्कर सोलर प्रोब ऑलरेडी 27 मिलियन किलोमीटर तक जाकर के आपको जानकारियां देने लगा है। अभी पहुंचेगा वो 6.2 मिलियन किलोमीटर, लेकिन वो देने लगा है, तो वो बहुत क्लोज है। इस समय वो मरकुरी के भी अंदर है, मरकुरी के भी अंदर होकर के सूर्य के चक्कर लगा रहा है, तो वो तो बहुत क्लोज चला गया। अब तक की जो सबसे क्लोजेस्ट चीज़ हम भेज सकते थे उससे 7 गुना अंदर चला गया है वो। ऐसे में उसने ये बताया है कि स्मॉल बिग एक्सप्लोजन की बजाय मल्टीपल स्मॉल एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं, छोटे छोटे एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं जो हाईली एनर्जेटिक पार्टिकल्स रिलीज कर रहे हैं, और वो इतनी बड़ी मात्रा में हो रहे हैं स्मॉल एक्सप्लोजन्स, और उनसे निकलने वाले स्मॉल पार्टिकल्स ये इतने फास्ट एंड स्विफ्ट हैं कि ये विद इन अ सेकेंड पूरे स्पेस को ट्रेवल करके भर रहे हैं, और अब तक इनसे हो रहा था सारे सैटेलाइट्स को नुकसान। ये डेंजरस है द स्मॉल पार्टिकल्स, तो द स्मॉल पार्टिकल इवेंट, क्योंकि इसका पता नहीं था हमें, तो ऐसे हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हम बड़े इवेंट पे फोकस करते थे तो हम रफ्तार भी उतनी मानते थे। जैसे सोलर विंड के बारे में कहा जाता है कि 18 घंटे में धरती तक पहुंचती है, कुछ कुछ लोग कहते हैं 3 दिन में पहुंचती है, तो हम उसी हिसाब से लगा करके बैठे हुए थे। लेकिन ये पता लगा कि बहुत मिलियंस ऑफ मिलियंस स्मॉल एक्सप्लोजन हो रहे हैं जिसमें से स्मॉल एनर्जेटिक पार्टिकल्स निकल रहे हैं जो कुछ ही क्षण में ट्रैवल करके आगे आ रहे हैं, और वह हैं जो सैटेलाइट को जलाने का, नष्ट करने का काम करते थे, उसके सिग्नल ख़राब करने का काम करते थे। इसलिए ये भी डिस्कवरी बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आज के बाद इस पर जांच की जाएगी। तो सोलर पार्कर सोलर प्रोब मिशन का कंसेप्ट ही ये था कि उसने ये पता करना था कि भाई क्यों, कैसे होते हैं एनर्जेटिक पार्टिकल मूवमेंट का मैकेनिज़म क्या है, इनके डायनेमिक्स क्या है, ये कैसे बनते हैं, कैसे ट्रेवल करते हैं, ये समझना था। उन्होंने देखना था कि भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्या मैकेनिज्म है, क्या इनका स्ट्रक्चर है, कैसे ओरिजिन होती है, कैसे काम करती है, ये देखना था। उन्होंने देखना था कि भाई सोलर विंड कैसे मूव करती है, क्या इसका सिस्टम है, क्या मैकेनिज्म है, ओरिजिन कहाँ से होता है, ये चीज़ें समझनी थी। और सबसे बड़ा रहस्य से पर्दा उठाना था कि भाई सन के फोटोस्फेयर पर का टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाहर सन का एटमोसफेयर दैट इज कोमोस्फेयर का टेम्परेचर 32000 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद कोरोना टेम्परेचर 27 लाख डिग्री सेल्सियस, ये कैसे होता है, फिजिक्स का सारा लॉ ही वायलेट हो गया, क्योंकि आप ये कहते हैं कि एनर्जी हाई से लो की तरफ फ्लो करती है, गर्म से ठंडे की तरफ जा रहा है,
तो ये तो उल्टा हो रहा है, फोटोस्फेयर ज़्यादा गर्म होनी चाहिए थी, फिर उसके बाद क्रोमोस्फेयर कम गर्म होना चाहिए था, और फिर कोरोना तो बहुत ही कम होना चाहिए था। ये उल्टा है कि फोटोस्फेयर 6000 डिग्री सेल्सियस क्रोमोस्फेयर, और इस पे भी रहस्य है, इस पे बहुत सी थ्योरी, इस पे भी अभी जांच होनी है। लेकिन हुआ क्या है, अब इसको मैं समझाता हूँ। देखो ऐसा सपोज करो कि कोई एक, सपोज करते हैं कोई एक चादर है, आई बात समझ में, चादर है, और चादर को हमने इस तरह से तंबू लगा रखा है सर्कुलर, और उसके नीचे से चीज़ें बनती रहती हैं, उबल रही हैं, ज्वाला फट रही हैं, वो सिर्फ चादर तक ही जाके टच होती हैं तो चादर गर्म हो रही है, वो हो गई फोटोस्फेयर। और हम उस फोटोस्फेयर को ऊपर से टच कर करके देख रहे हैं तो बहुत गर्म, बहुत गर्म। ये बिल्कुल वैसा है जैसा आपने आजकल कांच के ढक्कन की कढ़ाइयाँ आती हैं, है ना, ओवंस आते हैं, और वो भी इस तरह के ही होते हैं, डोम शेप, वो आपने रखे हैं, अंदर मटेरियल उबल रहा है तो आपको समझने के लिए बस ऊपर कांच पे हाथ लगाना, लगा ना लेना, चमड़ा उधड़ जाएगा, लेकिन अगर किसी को लगाना है तो लगा सकते हैं। तो आप देखेंगे गर्म हो रहा है, गर्म हो गया। इसमें अब कई बार ये एक्टिविटी क्या हो रही है कि ये जो एक डोम लाइक स्ट्रक्चर है, जो फोटोस्फेयर है, कुछ पार्टिकल्स इतने ज़्यादा गर्म हैं, इतने ज़्यादा गर्म है, वो इतना अंदर मटेरियल हाई एनर्जी हो रखा है कि वो इतनी भी देर नहीं रुक रहा कि वो उस सरफेस को गर्म करे, वो उसे भेद के आगे निकल जा रहा है, वो उसे फाड़ के, जैसे उस पूरी के पूरी चद्दर में छेद हो करके मटेरियल बाहर निकल जा रहा है। और जब वो बाहर निकल जा रहा है तो उसने वो हीट जो फोटोस्फेयर को कंट्रीब्यूट करनी थी वो नहीं की, वो किए बिना सीधे बाहर आ गया। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे अर्थ पे, जैसे अर्थ पे कंट्रीब्यूट किए बिना ही एक डक्ट के थ्रू सारा का सारा मैग्मा, अर्थ के अंदर का मैग्मा बाहर आ गया और उसने एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर राइज कर दिया एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द सर्फेस ऑफ द अर्थ। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है कि अंदर का फ्लेयर्स, अंदर का मटेरियल एकदम से बाहर आ रहा है, और बाहर आकर के वो क्रोमोस्फेयर और उसके बाद कोरोना तक जा रहा है। अब हो क्या रहा है कि जब आप मटेरियल बाहर दे रहे हैं, अब मटेरियल जब आपने बाहर किया, काफ़ी हद तक मटेरियल वापस आ जाएगा और एनर्जी चली जाएगी, एनर्जी तो डिसिपेट नहीं होगी। इसी की वजह से फोटोस्फेयर पे आपको दो टेम्परेचर जोन मिलते हैं, एक 6000, उसके बगल में ही 4000, फिर 6000, फिर 4000, फिर 6000, फिर 4000, ऐसा सिस्टम है। तो जो मटेरियल वापस गिर रहा है वो तो देखो ठंडा होके गिर रहा है, फोटोस्फेयर को उल्टा ठंडा कर रहा है, लेकिन जो उसने हीट कंट्रीब्यूट कर दी वो एक्यूमुलेट हो रही है क्रोमोस्फेयर, और क्रोमोस्फेयर में ये इवेंट एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो फर्दर हीट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं किसको, कोरोना को। तो ऐसा माना गया है कि जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है इन सोलर फ्लेयर्स का और हाई एनर्जी पार्टिकल्स का, ये एज कम्पेयर टू फोटोस्फेयर क्रोमोस्फेयर को एक्यूमुलेट में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, और क्रोमोस्फेयर में भी ये फोटोस्फेयर के ज़्यादा एक्यूमुलेट होकर के कोरोना में एक्यूमुलेट कर रहे हैं। तो सारी की सारी एनर्जी एक रीजन पे आके इकट्ठी हो रही है, आई बात समझ में। इसकी वजह से क्रोमोस्फेयर और क्रोमोस्फेयर के बाद कोरोना ज़्यादा गर्म है एज कम्पेयर टू फोटोस्फेयर, और उल्टा दोनों उस एनर्जी को यूज़ करके ठंडा मटेरियल वापस फोटोस्फेयर को दे दे रहे हैं, तो इसलिए फोटोस्फेयर ठंडी है एज कम्पेयर टू क्रोमोस्फेयर एंड कोरोना, आई बात समझ में। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कि आप कोई चीज़, आपने कोई बर्तन गर्म करने रखा हुआ है और उसकी एक हाइट पर आपने पहले एक ट्रांसपेरेंट लेयर रखी हुई है किसी चीज़ की और उसके ऊपर एक और चीज़ रखी हुई है। अब अल्टीमेटली जो उसका सरफेस है, वह जहाँ पर चीज़ें गर्म हो रही हैं वहाँ से सारा, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि स्टीम में ज़्यादा गर्मी है एज़ कम्पेयर टू गर्म पानी, क्योंकि स्टीम के अंदर लेटेंट हीट जो है वो स्टोर्ड रहती है, आई बात समझ में, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, तो वो उसके अंदर इवेपोरेशन स्टोर्ड है। अब अल्टीमेटली जब वो उन लेयर्स को मिल रही है तो फर्स्ट लेयर को वो बहुत हाई मात्रा में मिल रही है, एक्यूमुलेटेड हो रही है, और उसी से सेकंड लेयर तक वो जा रही है। तो अल्टीमेट एस्पेक्ट ये है कि जहाँ से वो आ रही है वहाँ पर टेम्परेचर इनफैक्ट कम है, क्योंकि रेजिडुअल मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड वाटर, रेजिडुअल मिल रहा है उसी रीजन को इन फॉर्म ऑफ कंडेंस्ड वाटर, तो वो थोड़ा उल्टा ठंडा कर रहा है, लेकिन वो उनको जो मिल रहा है उनको बदले में कोई नीचे से कंडेंस्ड ठंडा पानी नहीं मिल रहा, उनको गर्म ही गर्म मिल रहा है, नीचे से सब गर्म ही गर्म मिल रहा है, लेकिन वो बदले में जो दे रहे हैं वो ठंडा ठंडा दे रहे हैं, आई बात समझ में। ठीक ऐसा ही है कि सन के फोटोस्फेयर से जो निकल रहा है वो सब गर्म निकला, लेकिन क्रोमोस्फेयर और कोरोना को मिला सब गर्म, लेकिन बदलों में इन्होंने दी खाली गैस, ठंडी गैस, तो फोटोस्फेयर एज कम्पेयर टू क्रोमोस्फेयर और कोरोना ठंडा हो गया, और क्रोमोस्फेयर में एक्यूमुलेट होता गया मटेरियल और फिर ऐसे ही कोरोना में चला गया मटेरियल एक्यूमुलेट होता रहा। तो ये एक पॉसिबल रीज़न है, ऐसी बहुत सी फाइंडिंग्स अभी आएंगी, ये हमने एक प्रयास किया है, आई बात समझ में। ये इसके बारे में जानकारियाँ थी और मैंने ये सारा आपको टर्बुलेंसेज कंटिन्यू या पैचेस में था ये मैंने बता दिया है, क्या क्या इसके बारे में डिस्कवरीज़ हैं ये भी बता दिया है,
क्या क्या नुकसान हो सकते हैं उनको हमें समझना है। ब्रेकिंग पॉइंट के बारे में यही है कि ट्रांजिशन जोन है सोलर विंड का, सोलर एनर्जेटिक पार्टिकल वेरी स्मॉल बम्बार्डमेंट्स होती हैं और वेरी स्मॉल फास्ट मूविंग पार्टिकल्स हैं, ये सोर्सेस हैं डेंजरस रेडिएशन के विच कॉज हार्म टू द सैटेलाइट्स। ओके, ये सारी जानकारियाँ इसके विषय में थी, ये सारी इसकी फाइंडिंग्स थी। हम क्यों इनके बारे में पढ़ रहे हैं वो आपको लेक्चर के पहले भाग में जो आप सुनेंगे तो पता लग जाएगा। सारा वर्ल्ड आज की डेट में आईटी पे है, इंटरनेट पे है, माइक्रोवेव्स पर है, मैग्नेटिक फील्ड पर है। सोलर रेडिएशन एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है, आपके ग्रिड पावर्स हॉल्ट हो सकते हैं, आपके सैटेलाइट्स हॉल्ट हो सकते हैं, कम्युनिकेशन पूरी तरह से ब्रेक हो सकता है, सारा बैंकिंग सिस्टम, सारा रेलवे सिस्टम, सारे ट्रांजैक्शन, सारा ट्रांजिशंस, आज सब कुछ इसी कनेक्टिविटी पे खड़ा है, कनेक्टिविटी सारी डेड हो सकती है। और हमारे लिए स्पेस वेदर को समझना आज की डेट में बहुत ज़रूरी हो चुका है, इसके लिए हमने ये पार्कर सोलर प्रोब भेजा है और जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। कंप्लीट लेक्चर को सुनिए, हमने हर तरीके को प्रैक्टिकल वे में समझाने की कोशिश की। अब ये आप किसी भी अखबार, किसी भी मैगजीन में पढ़ेंगे पानी की तरह समझ आएगा। टेक्निकल जितनी चीज़ें थी हमने सरल भाषा में आपको समझा दी हैं, सूर्य के सारे बेसिक चीज़ों के साथ साथ। थैंक यू सो मच।